Very good evening, friends. Today we again have the privilege of having with us CS Vivek Mishra ji, who is a practicing company secretary. बहुत ही अच्छा deliberation रहा विवेक मिश्रा जी का, और उसके अलावा भी हमें time to time guide करते रहते हैं. तो मिश्रा जी, please carry on. Yes sir, thank you sir. And people are liking your deliberation like anything. लेके आया और जो मैं लेके आया. और बहुत ही अच्छा आपका वो है. Thank you sir, thank you. सुरेंद्र बब्बर जी, म्यूट कर लीजिए अपने को. तो विवेक मिश्रा जी, आपको क्या लगता है, एक सेशन और होना चाहिए इस पर, सेबी रेगुलेशंस पर, या आज हम खत्म कर दें इसको? आज इसको खत्म कर देंगे. ओके, वेरी गुड. आज थोड़ा टाइम भी लगेगा तो भी कोई बात नहीं, ठीक है जी. क्योंकि इसके बाद एक सेबी सब्सटेंशियल टेकओवर है, ये एलओडीआर है, तो ये वाला खत्म हो जाएगा आज. सेबी सब्सटेंशियल टेकओवर लगता है, अगर एक सेशन और लग सकता है. हां, तो कल ले सकते हैं वो सेशन आप? हां, ले सकते हैं. ठीक है सर. ओके, वेरी नाइस. ठीक है सर, हाँ जी. राहुल खंडूजा जी कह रहे हैं कंपनी जैक्ट पे भी मिश्रा जी का एक सेशन करा देते. तो कंपनी जैक्ट तो कवर कर लिया सर. कंपनी जैक्ट में तो कोई खास ऐसी बात है नहीं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप चाहो तो उस पर कर सकते हैं. अरे सेबी को कंटिन्यू कर लो, सेबी काफी है इसमें. हाँ, नहीं, राहुल खंडूजा जी कह रहे हैं कंपनी जैक्ट पे भी मिश्रा जी का एक सेशन करवा दो. ऐसा है, पहले सिलेबस पूरा कवर होने देते हैं, उसके बाद में देखेंगे. और हमारा तो क्या है, ये तो अखंड पाठ है, ये चलता रहता है. आप ज्वाइन करते रहना, बाद में भी दूसरा बैच शुरू कर देंगे ना, उसमें कर लेना, उसमें करवा देंगे. वरना क्या होगा, ये बैच खत्म ही नहीं होगा. हम इसको चाहते हैं खत्म भी तो करना. हम चाहते हैं 25-26 तक खत्म करते हैं इसको, 27 तक मैक्सिमम. अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा था डिविएशन एंड वेरिएशन ऑफ फंड्स. अगर कोई कंपनी, लिस्टेड एंटिटी, अगर वो पैसा रेस करता है, फंड रेस करता है, वो फंड कैसे रेस कर सकता है? या तो वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू. अच्छा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किसको बोलते हैं? कोई कंपनी अगर ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर अलॉट करता है तो उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. अगर कोई कंपनी पैसा उठाता है ग्रुप ऑफ पर्सन से, या उसको कंपनी लॉ या सेबी के लैंग्वेज में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोलते हैं, या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के हिसाब से अगर पैसा उठाते हैं, तो उस लिस्टेड एंटिटी को हर साल, एवरी ईयर, डिस्क्लोज करना पड़ेगा यूटिलाइजेशन ऑफ सच फंड्स ड्यूरिंग द ईयर इन इट्स एनुअल रिपोर्ट, जब तक कि वो पैसा यूटिलाइज खत्म ना हो जाए. 100 करोड़ रुपए मार्केट से उठाया, उसको हर साल और हर समय ये बताना पड़ेगा कि जो 100 करोड़ का पैसा उठाया, हमने कहाँ कहाँ पैसा खर्चा किया. खासकर ये IPO और QIP जितने भी कंपनी पैसा उठाते हैं, इसके लिए ये किया गया है. बहुत सारे ऐसे स्टील कंपनी है जिसको मैं जानता हूँ, खासकर यू IPO लेकर आए, पैसा लाया, बोला हम एक्सपेंशन करेंगे, हालांकि वो होता नहीं है. इसलिए उनका, इसीलिए नया रेगुलेशन लाया गया 7A, यूटिलाइजेशन ऑफ सच फंड्स, उसको हर साल बताना पड़ेगा अपने एनुअल रिपोर्ट्स में. अब आ जाइए फाइनेंशियल रिजल्ट्स. हर कंपनी को अपना क्वार्टरली स्टैंड अलोन तो देता ही था, मे के बदले में शैल सबमिट करे अपना स्टैंड अलोन के साथ साथ में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ईयर टू डेट, सालाना, और उस लिस्टेड एंटिटी को अपने बैलेंस शीट के साथ में लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से लिया जाएगा और अपने बैलेंस शीट के साथ में लगाया जाएगा. तो पहले था स्टैंड अलोन, अभी हो गया कंसोलिडेटेड प्लस स्टैंड अलोन बैक्ड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट लिमिटेड रिव्यू द्वारा. अच्छा, इसके साथ में और क्या देना पड़ेगा? तो बोला गया लिस्टेड एंटिटी को अपने स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स फॉर द हाफ ईयर के साथ साथ एक नोट दे, और वो नोट कैसा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द हाफ ईयर, पूरे हाफ ईयर का कैश फ्लो भी देना पड़ेगा. लिस्टेड एंटिटी ये इंश्योर करे कि जो भी क्वार्टरली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स है,
एटलीस्ट 80% ऑफ ईच ऑफ द कंसोलिडेटेड रेवेन्यू एसेट्स एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली शैल हैव बीन सब्जेक्टेड टू ऑडिट इन केस ऑफ अनऑडिटेड रिजल्ट. अच्छा, बैलेंस शीट ऑडिट भी पब्लिश होता है, अनऑडिटेड भी होता है. हर क्वार्टर अनऑडिटेड ही होता है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में, मतलब मार्च वाले क्वार्टर में, एक प्रावधान ये है कि हम ऑडिटेड फिगर सबमिट कर सकते हैं. ऐसे लिमिट टाइम है 45 दिन, क्वार्टर खत्म होने के 45 दिन के अंदर में हमको स्टॉक एक्सचेंज को अपना लिमिटेड रिव्यू साथ अनऑडिटेड बैलेंस शीट देना पड़ता है. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग का बहुत प्रश्न आया कि भाई हम तो इस क्वार्टर में खत्म नहीं कर पाएंगे, तो बोला क्या करना पड़ेगा कंसोलिडेटेड के लिए. तो ये बोला गया कम से कम 50 नहीं 70 नहीं, कम से कम 80% बैलेंस शीट का रेवेन्यू प्लस एसेट्स एंड प्रॉफिट को कवर करे ही करे, जो सब्जेक्ट टू ऑडिट हो और वो अपने बैलेंस शीट के साथ में लगाए. दैट शुड बी बैक्ड बाई लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट. The listed entity shall disclose in the results of the last quarter in the financial year. हम अगर मार्च क्वार्टर का बैलेंस शीट पब्लिश करने जा रहे हैं तो लास्ट कॉरेस्पॉन्डिंग लास्ट क्वार्टर इन द फाइनेंशियल ईयर, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर का भी क्वार्टरली रिजल्ट हमें डालना पड़ेगा, और उसमें यह डालना पड़ेगा एग्रीगेट इफेक्ट ऑफ मटेरियल एडजस्टमेंट. अगर आपने इस क्वार्टर में कोई एडजस्टमेंट की है तो उसमें कौन सी चीज मटेरियल है उस बैलेंस शीट में, उसको डिस्क्लोज करिए. स्टैट्यूटरी ऑडिटर लिस्टेड कंपनी का एक वो लिमिटेड रिव्यू देगा ऑफ ऑल द एंटिटीज आर कंपनीज हुज अकाउंट्स आर टू बी कंसोलिडेटेड. अगर कंपनी ए है, कंपनी की बी भी है, सी भी है, डी भी है, तो उसकी सारी कंसोलिडेशन की जो अकाउंट्स कंसोलिडेट हो रही है उसका भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर में ये डाल दिया गया है कि आप लिमिटेड रिव्यू दीजिए विद द लिस्टेड एंटिटी. और ये कैसे है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के हिसाब से. अब देखते हैं इसको हम लोगों को ये वाला चीज हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नया चीज आया है. अर्लियर क्या था, नया क्या है? नया में ये है, मैनेजमेंट शैल मैंडेटरली मेक एन एस्टिमेट which the auditor shall review and report accordingly. ये मैनेजमेंट का प्रावधान है कि वो एक एस्टिमेट बनाए जिससे वो ऑडिटर उसको रिव्यू करे और रिपोर्ट करे. नॉट विस्टैंडिंग एट दी अबव, मैनेजमेंट को ये परमिट दिया जाता है कि वो प्रोवाइड करे एक एस्टिमेटेड लाइक गोइंग कंसर्न और सबजुडाइज मैटर्स. दो चीज के बारे में मैनेजमेंट को अपना वो एक एस्टिमेट देना पड़ेगा. वो एस्टिमेट किस प्रकार का होता है, वो दो प्रकार का एस्टिमेट देना पड़ता है. पहला एस्टिमेट ये है कि मेरी कंपनी का जिसका ऑडिट हो रहा है वो गोइंग कंसर्न रहेगा. पहला बात, मैटर्स लाइक गोइंग कंसर्न और सब जुडाइस मैटर. अगर किसी कोर्ट में कोई हमारा इंसॉल्वेंसी मैटर चल रहा है और उस केस में अगर हमको मैनेजमेंट से ये पूछा गया कि भाई ये सीआरपी प्रोसेस स्टार्ट होगा या नहीं होगा या अभी चल ही रहा है या आपने डिमांड नोटिस का कुछ रिप्लाई किया है, तो अगर ऐसा कोई सबजुडाइस मैटर है तो उसके बारे में मैनेजमेंट को एक अपना एस्टिमेट देना पड़ेगा. इन विच इस एस्टिमेट में मैनेजमेंट शैल प्रोवाइड रीजंस दे एंड द ऑडिटर शैल रिव्यू द रीजंस. अब उसको बोला गया है कि मैनेजमेंट अपने अपने एस्टिमेट में ये बताए, रीजंस बताए कि वो क्या सोचता है इस मैटर के बारे में जो सबजुडाइस है और उसका क्या कारण है. सर एक सेकंड ना, ऊपर आपने नो लिखा हुआ है यहाँ पर मिश्रा जी, कहाँ पे परमिटेड टू, यहाँ पर सर आ रहा है ना, एक मिनट में मिनिमाइज कर लेते हैं. नोट व्हिच एट द अबव मैनेजमेंट मे परमिटेड टू नॉट प्रोवाइड, कौन सा ये नोट वर्ड आ रहा है ना सर, एनओटी परमिटेड, नॉट विदस्टैंडिंग द अबव द मैनेजमेंट मे बी परमिटेड टू नॉट प्रोवाइड एन एस्टिमेट लाइक गोइंग कंसर्न और सब्जुडाइज मैटर इन व्हिच द केस मैनेजमेंट शैल हैव प्रोवाइड द रीजंस एंड द ऑडिटर शैल रिव्यू द सेम. अगर मैनेजमेंट को ये लगता है कि वो एस्टिमेट करके ये बता सकता है तो ठीक है, नहीं तो रीजंस बताएगा ऑडिटर को. पहले था ना कि हर कंपनी को एनुअल रिपोर्ट भेजना पड़ता था, तो अभी बोल दिया गया कि कॉपी ऑफ द एनुअल डिटेल्स शैल बी सेंड टू द शेयर होल्डर अलोंग विद द नोटिस ऑफ द एजीएम नॉट लेटर देन द कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच टू हिज शेयर होल्डर्स. आज से हम अगर डिस्पैच करना शुरू कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड पब्लिश ऑन इट्स वेबसाइट क्या, एनुअल रिपोर्ट.
तो आज के डेट में लोग एनुअल रिपोर्ट बाद में देखते हैं, पहले वेबसाइट में चले जाते हैं, देखते हैं कि एनुअल रिपोर्ट आई कि नहीं आई। कल ही मैं देख रहा था एक्सेप्ट कंपनी चार, पूरे इंडिया भर में मात्र चार ऐसे कंपनी है जिसके बैलेंस शीट वेबसाइट और एनुअल रिटर्न में दिख रहा है। बैलेंस शीट तो सबकी दिख रही है लेकिन एनुअल रिपोर्ट अभी तक किसी की नहीं आई है, चाहे वो एयरटेल हो चाहे वो गोदरेज हो, अभी तक की एनुअल रिपोर्ट नहीं आई है। बोला है एनुअल रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज और वेबसाइट में कब डालिए, उस समय डालिए जब शेयर होल्डर को सेंड कर रहे हैं एजीएम के साथ, एजीएम का नोटिस जब भेजेंगे उसके साथ में डिस्पैच कर रहे हैं उसी समय। इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द एनुअल रिपोर्ट, रिवाइज्ड कॉपी अलोंग विद द डिटेल्स शैल बी अपलोडेड इन टू स्टॉक एक्सचेंज बिफोर नॉट लेटर देन 48 आवर्स आफ्टर द एजीएम। अगर एजीएम में कोई चेंजेस हुआ तो 48 घंटे के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज को ही बताइए ताकि पूरे इंडिया को पता चले। अच्छा, अभी पहले बैलेंस शीट की तरीका हमारे आरओसी में भी बदल गया है एक्सबीआरएल फॉर्मेट, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज भी ये फॉर्मेट ला दिया है कि बैलेंस शीट को बताया जाए एक्सबीआरएल फॉर्मेट के तरीके से ही। अब आ जाइए एनुअल जनरल मीटिंग, नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। बोला गया कि जो भी नोटिस भेजा जाता है शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर को किस लिए भेजा जाता है कि हमारी एनुअल जनरल मीटिंग होने जा रही है, और उस जनरल मीटिंग के नोटिस में स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का प्रपोजल भी है एक पॉइंट, और अपॉइंटमेंट का या रीअपॉइंटमेंट का, तो उसमें इंक्लूड रहे क्या क्या बात एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। क्या पहले था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या फीस मिला जा रहा है वो नहीं बताया जाता था, अब लिखा जा रहा है प्रपोज्ड फीस पेबल टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। पहले ये लिखा जाता था एनी फीस बीइंग डिटरमाइंड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स एज मे डीम फिट, ऐसा लैंग्वेज बोल करके छुपा दिया जाता था। अब लिखा जाता है प्रपोज्ड फीस पेबल टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर अलोंग विद द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट। सबसे बड़ा झमेला इसीलिए आया था ये जब DHFL का केस लड़ाई हुआ तो बोला गया कि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है PwC और डेलॉयट। आज भी आप देखेंगे डेलॉयट का दो विंग है, डेलॉयट हस्किंस और डेलॉयट एक अलग। तो डेलॉयट हस्किंस जो है वो अभी भी बार्ड है सारे लिस्टेड कंपनी को ऑडिट करने के लिए जब तक कि वो फैसला ना आए, हालांकि दूसरा डेलॉयट विंग अभी भी ऑडिट कर रहा है। तो इसीलिए बोला गया है इसको फीस के लिए कुछ प्रॉब्लम है तो भाई डालो, पूरा पब्लिक को पता होना चाहिए कि ऑडिटर को क्या पैसा मिल रहा है। अगर ऑडिटर के फीस में चेंजेस हुई एनी मटेरियल चेंजेस इन द फीस पेबल टू सच ऑडिटर फ्रॉम दैट पेड टू द आउटगोइंग ऑडिटर अलोंग विद द रैशनल। अब भाई डेलॉयट को आप देते थे 70 लाख रुपया, 1.5 करोड़ रुपया, अब चंडोएक जी को दे रहे हैं आप 4 करोड़ रुपया, तो क्यों दे रहे हैं ये बताइए। आउटगोइंग ऑडिटर को दे रहे थे डेलॉयट को कम, और नए ऑडिटर को क्यों ज्यादा दे रहे हैं आप ये बताइए, ताकि वो मेरा बात को मान ले और दूसरे को ना बताए, पब्लिकली ना बताए। तो इसीलिए ऑडिटर्स का फीस ज्यादा दे देता है तो चुप हो जाते थे ऑडिटर, तो अब बताया जाएगा डिफरेंस ओपिनियन बताओ क्यों तुम ज्यादा देना चाहते हो, और खासकर बिग फोर से ज्यादा कई और लोग पब्लिक दूसरे को दे देता है। सॉरी चंडोएक जी का नाम लिए लेकिन वो ऐसा उनके मामला में आया है और ये पब्लिकली है इसलिए हम बोल सकते हैं। बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन, किस बेसिस पे आप रिकमेंड कर रहे हैं किसी ऑडिटर को फॉर अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग द डिटेल्स रीजनल एंड द क्रेडेंशियल्स ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये बताइए क्या वो पीयर रिव्यू है स्टैट्यूटरी ऑडिटर की नहीं है। अगर नहीं है तो आप क्यों कर रहे हैं पीयर रिव्यू ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो उसका रेजिडेंशियल बताइए और रिकमेंडेशन का कारण बताइए कि आप उसको हटा के क्यों दूसरे को कर रहे हैं। वो बोला कि अगर आप जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का नोटिस भेज रहे हैं उसमें सेक्शन 102 बोलता है स्पेशल नोटिस, हम जो भी नोटिस भेजते हैं एजीएम में तो उसमें स्पेशल नोटिस लगाते हैं, और इस ऐसे ऐसे बिजनेस को स्पेशल बिजनेस भी करते हैं, और उसमें ये लिखा होना चाहिए रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड ये रिकमेंड करता है कि डेलॉयट के बदले में हम चंडोएक जी को अपॉइंट करने जा रहे हैं, ये रिकमेंडेशन वर्ड यूज होना चाहिए। अच्छा, ये लिखा था वोटिंग बाय शेयर होल्डर्स टू मीटिंग शेयर होल्डर्स, मतलब लैंग्वेज चेंज किया गया है टॉप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चेंजेस आई थी, टॉप 100 लिस्टेड एंटिटी शैल होल्ड देयर एनुअल जनरल मीटिंग विद इन अ पीरियड ऑफ 5 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब बताइए बैलेंस शीट की इंतजार होती थी 6 महीना फ्रॉम द एंड, सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि अगर कंपनी की बैलेंस शीट हो गई है
तो उसको 6 मंथ के अंदर अंदर बैलेंस शीट 6 सितंबर 30 सितंबर के अंदर अंदर एजीएम कर लेना है। अब बताइए, हम लोग बचपन से ये पढ़े हैं, अब ये बोलता है, सेबी बोलता है नहीं, इसीलिए टॉप 500 लिस्टेड के लिए, 100 लिस्टेड के लिए आप अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मतलब सितंबर नहीं, आपके लिए एजीएम का लास्ट डेट रहेगा अगस्त इंस्टीड ऑफ सितंबर। तो आप यह ध्यान में रखें हर समय, अगर आप 100 लिस्टेड कंपनीज बिलोंग करते हैं तो आपका एजीएम करने का लास्ट तारीख है अगस्त। मिश्रा जी, एक थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। बोलिए सर। एक तो ये अमेंडमेंट 31 दिसंबर 2020 की 2020 के बाद की है या उससे पहले की? नहीं 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 सर, ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे दिसंबर 20 के पहले का ही है। पहले की है ना? हाँ। अच्छा, और दूसरा इसमें क्या है कि सिलेबस में हमारे जो ये कुछ लिमिटेड से ही सेक्शंस रेगुलेशंस हैं, तो मैंने कहा यदि उसी हिसाब से सिलेबस के हिसाब से चलते हैं हम लोग तो और कवर हो जाता है और जो टॉपिक बचे हुए हैं। हाँ, इसके बाद हमारा सेबी ऑफ सब्सटेंशियल एंड टेकओवर कोड है, तो हम इसीलिए अमेंडमेंट पढ़ा रहे हैं, सारा चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सेबी एलओडीआर का सारा चीज पढ़ने में तो बहुत दिन बीत जाएगा। हाँ हाँ, तो अमेंडमेंट का ही कर करके चलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सब हम लोग आ रहे एजीएम में आएगा 30 सितंबर, हम कर रहे हैं अगस्त, तो ये कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए लोग को ये पता होना चाहिए। हालांकि एजीएम क्या होता है ये सबको पता है, एलओडीआर में बताने का जरूरत नहीं। अब बोला गया है कि सॉफ्ट कॉपी ऑफ द बैलेंस शीट भेजा जाए डिपॉजिटरी के थ्रू, सॉफ्ट कॉपी ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग का रिपोर्ट को भेजा जा सकता है हमारे सॉफ्ट कॉपी ईमेल के थ्रू। अब आ जाइए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए, एनुअल रिपोर्ट में क्या प्रावधान आया है, डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द लिस्टेड एंटिटी विद एनी पर्सन और एंटिटी बिलोंगिंग टू द प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप विच होल्ड्स 10% और मोर शेयर होल्डिंग इन द लिस्टेड एंटिटी। अब इसमें एग्जाम्पल्स ऐसे समझना पड़ेगा हमको कि हमको, हम अपने कंपनी का नाम है गोदरेज, गोदरेज की एक प्रमोटर ग्रुप है और प्रमोटर खुद है, और उस प्रमोटर ग्रुप की एंटिटी हमारे कंपनी में 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग करती है, तो उससे जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको हमको एनुअल रिपोर्ट में एक अलग से फॉर्मेट में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के थ्रू बताना है। ये रेलिवेंट एएस भी बोला गया है, एनुअल रिजल्ट्स के थ्रू बताना पड़ेगा। मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट पहले भी था हमको, डेट इक्विटी रेशियो, अब ये बोला गया है कि अब ये मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट में सब लोग बना तो देते थे लेकिन अब ये नहीं डालते थे, दैट इज चेंज ऑफ 25% और मोर रेशियो कंपेयर टू द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, और वो भी कैसा, की फाइनेंशियल रेशियोज, की फाइनेंशियल रेशियोज कौन कौन से थे, डेटर्स टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, करंट रेशियो, ये सारे के की फाइनेंशियल ईयर्स के हमको कंपैरिजन दिखाना पड़ेगा। पिछले साल मेरा डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या था, 1:6, अभी क्या है, 2:6, वो सब मुझे बता, मतलब एनुअल रिपोर्ट में बताना पड़ेगा, वो भी किस सेक्शन में, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट में। अगर कोई चेंजेस हुई है रिटर्न ऑन नेटवर्थ में तो वो भी प्रीवियस ईयर के साथ में कंपेयर करके बताना पड़ेगा, ताकि इस लोगों को ये पता चले कि कंपनी की नेटवर्थ क्या हो रही है, इरोड हो रही है या कम हो रही है, किसी की याददाश्त इतनी तेज नहीं रहती है, इसीलिए बोला गया भाई तुम ही कंपैरिजन चार्ट बनाओ, एनुअल रिपोर्ट में डालो, और लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेरा कंपनी का एनुअल नेटवर्थ इरोड हो रहा है या चल रहा है। इफेक्टिव फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019, इसीलिए हम बोले ये एकदम लेटेस्ट अमेंडमेंट 20 के बाद वाला नहीं है, कि 31 मार्च 2019 के बाद से जो भी एनुअल रिपोर्ट छप रहा है, द सेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक एडिशनल डिस्क्लोजर जाएगा, उसमें यह बताया जाएगा कि नंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कमिटीज इन विच द डायरेक्टर इज अ मेंबर, इंक्लूडिंग सेपरेटली द नेम्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी वेयर द पर्सन इज अ डायरेक्टर एंड कैटेगरी ऑफ डायरेक्टरशिप। इसका मतलब ये हुआ, मुकेश अंबानी अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के खुद के डायरेक्टर हैं और अगर गोदरेज में वो डायरेक्टर बनते हैं तो उनको ये बताना पड़ेगा अपने कंपनी में कि मैं मुकेश अंबानी गोदरेज के ऑडिट कमिटी में और गोदरेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर हूं। नाम बताइए, पहले था सिर्फ बताइए, 3 बताइए, अभी बताइए नाम भी, चार्ट मैट्रिक्स बताइए, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज कॉम्पिटेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेरे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका क्या एक्सपर्टीज है, उनके कॉम्पिटेंस क्या है, उनका स्किल्स क्या है, ये हमको बताना पड़ेगा विद इफेक्ट फ्रॉम मार्च 19, विद इफेक्ट फ्रॉम मार्च 20, द नेम्स ऑफ द डायरेक्टर हु हैव सच स्किल एक्सपर्टीज एंड कॉम्पिटेंस,
कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में ये नया बात आया है, कंफर्मेशन करे कि बोर्ड के ओपिनियन में हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसे हैं जो सारी फुलफिल करते हैं कंडीशन जो रेगुलेशन में बोली गई है, और मैनेजमेंट इसको कंफर्म करता है उनके ओपिनियन में हमारे जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं सब वो फुलफिल करते हैं। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक और रिपोर्ट जाएगा, उसमें ये जाएगा कि डिटेल रीजंस बताया जाए कि हमारे कंपनी के रिजिग्नेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हुए हैं, वो भी ऐसे डायरेक्टर रिजाइन किए हैं जो उनका टर्म था 5 साल लेकिन वो 3 साल में रिटायर छोड़ के चले गए। तो ऐसा स्टॉक एक्सचेंज में फ्लक्चुएट होता है, शेयर प्राइस गिरने लगता है। प्रभात डायरी बोल के एक आईपीओ आया था, उसका स्टॉक एक्सचेंज में जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर छोड़ने लगे उनका शेयर प्राइस उसी दिन गिरना शुरू हुआ। तो इसीलिए लोग बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर टेन्योर से पहले जा रहा तो बताओ क्यों, अलोंग विद द कंफर्मेशन बाय सच डायरेक्टर दैट देयर आर नो मटेरियल रीजंस। अगर वो अपने हेल्थ के कारण जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बताओ रीजंस। लिस्टेड एंटिटी को अपना क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बताना पड़ेगा इंडिया और अब्रॉड से अगर उसको कहीं से मिला है। ये हमने पढ़ लिया है कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड के बारे में, सर्टिफिकेट फ्रॉम पीसीएस दैट, हाँ एक नया चीज आया है कि भाई अगर हमारे कंपनी में कोई डिबार्ड नहीं है, डिस्क्वालिफाइड नहीं है, तो वो एक सीएस से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि मेरे कंपनी में 7 डायरेक्टर हैं, सातों के सातों डिस्क्वालिफाइड नहीं है, डिबार्ड नहीं है। डिस्क्वालिफाइड कहाँ पे आता है, सेक्शन 164 ऑफ द कंपनी एक्ट में ये बात आता है। डिबार्ड कहाँ पे आता है, डिबार्ड हमारे स्टॉक से भी डिबार्ड करता है कि आप स्टॉक एक्सचेंज का शेयर में नहीं डील कर सकते। रीजंस फॉर नॉट एक्सेप्टिंग एनी रिकमेंडेशन ऑफ एनी कमिटी, कभी कभी कमिटी कुछ रिकमेंड करता है कि भाई आप ऑडिट कमिटी रिकमेंड करता है कि आप ऑडिटर को इतना फीस ना दें, अगर आप उसका बात नहीं मानते हैं तो आप बताइए रीजंस, जो कि बोर्ड ऑफ रिपोर्ट के रिपोर्ट में ये जाएगा रीजंस। टोटल फीस फॉर ऑल सर्विसेज पेड बाय द लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स सब्सिडियरीज ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर लिस्टेड कंपनी का काम करता है और सब्सिडियरी कंपनी का भी काम करता है, तो अगर अगर 1 करोड़ रुपया लेता है मेन कंपनी के लिए और अगर 40 लाख रुपया लेता है सब्सिडियरी कंपनी के लिए, तो आप ये बताइए कंपनी को कि 1 करोड़ प्लस 40 लाख बताइए, ये ना बताइए सिर्फ 1 करोड़ रुपया। वेबसाइट वाले डिस्क्लोजर हमारे इसके लिए डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए एलओडीआर के कॉम्प्लायंसेस क्या क्या है ये हम लोग जल्दी जल्दी जान जाते हैं। हमारे लिए यह है कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को कंप्लेंट अगर किसी शेयर होल्डर्स की आई है और उसको डिस्पोज किया गया है तो 21 दिन के अंदर में बताना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को। शेयर होल्डर्स का काफी सारा प्रॉब्लम कभी ना कभी किसी ना किसी का कुछ ना कुछ रहता है। द ऑडिट कमिटी शैल रिव्यू एटलीस्ट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस रिटेल्स ऑफ अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, पहले था ऑडिट कमिटी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से जो भी डीलिंग होता था वो क्वार्टरली नहीं रिव्यू करता था, अभी वो रिव्यू करेगा। जी एक क्वेश्चन है सर, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और क्वेश्चन पीछे रह जाएगा। हाँ बोलिए। इसी से रिलेटेड है, एक मिनट में पढ़ के बता देता हूँ। ये आशीष गुप्ता जी का है, इन केस कंपनी हैज नो लोन डू दे स्टिल रिक्वायर क्रेडिट रेटिंग डन? नहीं, क्रेडिट रेटिंग इज नॉट मैंडेटरी एज पर द लिस्टेड कंपनी, लेकिन लोन है ही नहीं तो क्रेडिट रेटिंग का जरूरत नहीं पड़ता है और क्रेडिट रेटिंग मैंडेटरी भी नहीं है। जिसकी जिसकी लोन है अगर रेटिंग गिर रही है तो वो बताना जरूरी है, मैंडेटरी है। केयर और इकरा का आप अगर आप देखें तो हमारी जो सबसे दो बड़ी कंपनी है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर और इकरा, इन लोगों ने गलत रिपोर्ट किया था DHFL के लिए, इसीलिए इनको भी बहुत बड़ा पेनल्टी मिला। आपको पता होना चाहिए सारे प्रोमोटर्स सारे डायरेक्टर्स को हटा दिया गया केयर रेटिंग और इकरा में, नया मैनेजमेंट आया है और उन लोगों के लिए ही मैंडेटरी है जिन्होंने लोन लेके रखा है, और अगर लोन लेके रखा है तो उनको करवाना जरूरी है। अगर किसी कंपनी में एक चीज और है, आईपीओ अगर कोई कंपनी लेकर आता है और उसका 500 करोड़ के नीचे आईपीओ लेकर आ रहा है तो उसके लिए क्रेडिट रेटिंग जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका आईपीओ या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या कहीं से पैसा उठा रहे हैं ना कि लोन से नहीं मतलब इक्विटी के रूट, और अगर वो लोन मतलब इक्विटी raising of funds, if the company is raising a fund by way of IPO, FPO, right issue, bonus issue, QIP, more than 500 crore, credit rating agency is must. Credit rating is must. और कुछ है सर? सोनी जी और कुछ है?
नहीं सर, एक ही क्वेश्चन था, प्लीज कंटिन्यू। तो अभी कॉम्प्लायंस, ये जो चार्ट है जो मैंने ये बनाया, ये संक्षिप्त में है इसीलिए ताकि आदमी को ये याद रहे कि एक्चुअल में LODR में कॉम्प्लायंसेस क्या क्या है, ये सिर्फ ध्यान रखने वाली चीज है। कंपनी शैल सबमिट अ कॉम्प्लायंस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस 15 दिन के अंदर में, जबकि देखिए ये अमेंडेड हो गया है, अभी ये 21 दिन हो गया, लेकिन हम लोग 15 दिन ही पढ़ेंगे। और ये 21 दिन वाला कब हुआ है, ये मई जून में हुआ है, तो इसलिए अभी भी हमारे लिए 15 था मेरा कि ये रिकमेंडेशन जो अमेंडमेंट हुई है कंपनी एक्ट में अभी, ये किसकी जो लास्ट रिकमेंडेशन थी, मेरे ख्याल से नारायण मूर्ति की थी, कोटक कोटक, अच्छा उसके बाद कोटक का, कोटक भी आया था, उदय कोटक जी की ये सारी रिकमेंडेशंस है। नारायण मूर्ति वाली तो 3 शुरू वाली, उसके बाद में हाँ नारायण मूर्ति, नरेश चंद्रन थी, कुमार मंगलम थी, कैडबरी थी, कुमार मंगलम बिरला की, हाँ वो 2013 में, हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट। तो हमारे लिए क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, हमको शेयर होल्डिंग पैटर्न जमा करना पड़ता है कि कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, और वो कब जमा करना पड़ता है, विदिन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, हमको 21 दिन के अंदर में जमा करना पड़ता है। कंपनी ये सबमिट करे, सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज, डिविएशन सबमिट करे कैटेगरी वाइज, पब्लिक इशू, राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू, रिव्यू एटलीस्ट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस सबमिट करे अपना, जो भी पैसा अगर उठाया है उसके क्या क्या डिविएशन किया है, जो पैसा बोल करके पैसा मार्केट से उठाया था उसके बारे में अगर डिविएशन है तो बताए। कंपनी अपना सबमिट करे क्वार्टरली स्टैंडअलोन ऑफ फाइनेंशियल्स और कंसोलिडेटेड, क्या स्टॉक एक्सचेंज को, कब, विदिन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, अगर हमारी अप्रैल मई जून एक क्वार्टर खत्म हुआ तो कब कब जमा सबमिट करना है, 15 अगस्त, मतलब 45 डेज फ्रॉम द जून, तो पूरी जुलाई चली गई और अगस्त का 45 डेज के अंदर में हमको ये बताना है क्वार्टरली स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स और क्वार्टर और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स अदर देन द लास्ट क्वार्टर। कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट ले, ये किससे लेता है, अपना शेयर होल्डर्स एंड ट्रांसफर कार्वी से, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो हम अगर देखें मोटा मोटी बैलेंस शीट भेजना पड़ता है क्वार्टरली, हमको पीसीएस से प्रमोटर के बारे में डिस्क्वालिफिकेशन भेजना पड़ता है, हमको शेयर होल्डिंग पैटर्न भेजना पड़ता है और हमको बैलेंस शीट भेजना पड़ता है। तो मोटा मोटी स्टॉक एक्सचेंज को हर क्वार्टर में ये 4-5 काम जरूरी है। शेयर ट्रांसफर में हमारा कोई अगर कोई शेयर ट्रांसफर के लिए आया तो लॉजमेंट हुआ, हम उसको रिन्यू किए, कंसोलिडेट किए, एक्सचेंज को एंडोर्स किए या कुछ भी बताएं, अगर शेयर ट्रांसफर एजेंट हमारा कार्वी अगर है तो उससे हम सर्टिफिकेट लेकर के एक सीएस से सर्टिफिकेट लेकर हमको एक महीने के अंदर में बताना है, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब हमारा 30th अप्रैल, साल का खत्म हुआ मार्च, 30th अप्रैल के अंदर अंदर आप ये बताइए। अब आप ये बताइए कि नॉन कन्वर्टिबल डेप्ट सिक्योरिटीज, जो डेप्ट है ऐसा जो कन्वर्ट ना हो सके, NCD जिसको बोला जाता है, नॉन कन्वर्टिबल डेप्ट सिक्योरिटीज, उसको आप बताइए कि अगर आपने ऐसा सिक्योरिटी क्रिएट किया है या मेंटेन करके रखा है, स्टॉक एक्सचेंज को बताइए, और ये कब, हाफ ईयरली, मतलब 30 जून या 30 जून नहीं आप समझ 30 सितंबर के अंदर आपको ये बताना पड़ेगा कि हमने नॉन NCD मार्केट से उठाया है। लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट एनुअल ऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर अलोंग विद द ऑडिट रिपोर्ट, कब जमा करना है, ये था विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब मार्च खत्म हुई, आपकी सालाना बैलेंस शीट ऑडिट खत्म हुआ तो आपको ऑडिट बैलेंस शीट सारे शेयर होल्डर्स को जमा करना है विद इन द एंड ऑफ 30th मई, मतलब पूरा अप्रैल पूरा मई के अंदर अंदर आपको एनुअल ऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑडिट किया हुआ सारे शेयर होल्डर को भेज देना है। आप डिस्क्लोज करिए स्टॉक एक्सचेंज को फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू द एक्सटेंट नेचर ऑफ द सिक्योरिटी क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड विद रिस्पेक्ट टू द सिक्योर्ड लिस्टेड NCD, कब, हाफ ईयर, ये हम लोग पढ़े हैं। लिस्टेड एंटिटी क्या करे, वो स्टॉक एक्सचेंज को पहले बताए, क्या बताए, कि हमारी बोर्ड मीटिंग होने वाली है और वो बोर्ड मीटिंग कौन सी, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, जो डिस्कस करने वाले हैं, कितना दिन पहले बताए, मिनिमम 5 डेज, और वो 5 डेज कहाँ से काउंट होता है, जिस दिन आप बता रहे हैं और जिस दिन मीटिंग होने वाली उस दिन को छोड़ दीजिए, मतलब अगर आपकी 7 तारीख की 7 अप्रैल की मीटिंग है और 1 तारीख को आप बता रहे हैं तो आप कॉम्प्लाइड है, लेकिन अगर 5 तारीख की मीटिंग है और 1 तारीख को बता रहे हैं तो आप कॉम्प्लाइड नहीं है, क्योंकि आपने जिस दिन मीटिंग हो रहा है जिस दिन बता रहे हैं उसको छोड़ के बताना पड़ेगा।
लिस्टेड एंटिटी 2 दिन पहले बताए क्या चीज, ये जो शेयर से रिलेटेड है, बायबैक करने जा रही है, डीलिस्टिंग करने जा रही है, फंड रेस करने जा रही है, डिविडेंड देने जा रही है, बोनस, ये सब के केस में 2 दिन पहले बताइए, नहीं तो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बहुत फ्लक्चुएट करने लगता है। और मीटिंग के खत्म होते ही आधा घंटा के अंदर में आप सब जल्दी जल्दी बताइए स्टॉक एक्सचेंज को क्या फैसला हुआ बोर्ड का, कि आप डिविडेंड कैंसिल कर दिए, क्या आप बाईबैक ला रहे हैं, या फंड रेज ला रहे हैं, बोनस इशू कर रहे हैं, या आपने कुछ फॉरफिट किया, या आप शॉर्ट पर्टिकुलर्स ऑफ एनी अदर ऑल्टरेशंस इन द कैपिटल इंक्लूडिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स, और कुछ डिलिस्टिंग ला रहे हैं, आधा घंटे के अंदर में बताइए ये सारे चीज मीटिंग खत्म होते ही। लिस्टेड एंटिटी शैल डिस्क्लोज टू द स्टॉक एक्सचेंज ऑल इवेंट्स, कुछ कुछ ऐसे इवेंट है जो आप आधा घंटा में नहीं एक दिन समय लेके बताइए, आराम से बताइए, जैसे ऑडिटर का रेजिग्नेशन, सीएफओ का रेजिग्नेशन, ये सब हमारे 24 घंटा के अंदर में बताइए। द लिस्टेड एंटिटी को बताना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट क्या होता है, जिसमें हम शेयर होल्डर को ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किनको किनको डिविडेंड देना है, वो कब बताइए आप, 7 दिन पहले। द लिस्टेड एंटिटी शैल रिकमेंड और डिक्लेयर ऑल डिविडेंड एंड ऑल कैश बोनसेस एटलीस्ट 5 working days एक्सक्लूडिंग द डेट एंड द इंटीमेशन, तो रिकॉर्ड डेट से पहले आप बताइए। ई वोटिंग आज के डेट में होना लगा है, तो ई वोटिंग का क्या रिजल्ट हुआ उसको कब बताना है, उसको बताना है 48 hours, कब, जनरल मीटिंग खत्म हुई उससे आप 24+24 48 घंटा समय लीजिए और बताइए शेयर होल्डर्स को कि क्या रिजल्ट हुआ वोटिंग का। लिस्टेड एंटिटी को कई सारा वेबसाइट में डालना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ये न्यूज़पेपर वाला चीज अब हट गया, लेकिन हमारे एग्जाम्स के लिए है कि हमको न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन अब न्यूज़पेपर में डालना पड़ता है, और कब, विदिन 2 calendar days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द बोर्ड मीटिंग, 1 तारीख को बोर्ड मीटिंग खत्म हुई, 3 तारीख के अंदर अंदर आप पब्लिश करिए न्यूज़पेपर में आपका रिजल्ट। ये है ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हमने यूज किया था इसके लिए, किसी के लिए अगर नहीं आए, सेक्रेटरियल ऑडिट हमारे लिए जरूरी नहीं है, इसलिए सेक्रेटरियल ऑडिट, इसलिए ये सीएस लोगों के लिए जरूरी है। हाँ, ये था कि भाई फ्रॉड अगर कुछ हुआ है तो अगर कोई सीएस नहीं बताता है तो उसके लिए 1 lakh rupees पेनल्टी है, और जो कि 5 lakh तक जा सकता है। 447 में बताया गया अगर गिल्टी है तो 6 महीने से ज्यादा 10 साल तक भी सजा हो सकती है सीएस को। सेक्रेटरियल ऑडिट के ऊपर में बहुत ज्यादा डाला गया है, सेक्रेटरियल ऑडिटर के लिए अब स्कोप बढ़ा दिया गया है कि वो मटेरियल सब्सिडियरी कंपनी के लिए भी ऑडिट करे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। ये था हमारा LODR के ऊपर में, तो हम लोग इसको अपना वो भी स्टार्ट कर सकते हैं गुप्ता जी, अपना सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन टेकओवर कोड। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए सर, बिल्कुल कर लीजिए प्लीज। उससे पहले किरण जी की क्वेरी है कोई? किरण जी बोल रहे हैं, विवेक मिश्रा जी, फाइनेंशियल रिजल्ट्स 45 डेज और 60 डेज, एक तो ये पूछ रहे हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट्स सारे क्वार्टर का 45 डेज है, लेकिन एनुअल वाले लोगों का 60 डेज है, मतलब अप्रैल मई जून के लिए अनऑडिटेड, जुलाई अगस्त सितंबर के लिए अनऑडिटेड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए अनऑडिटेड, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च और पूरे साल का जो आप देंगे 60 डेज उसके लिए समय मिलता है 45 दिन के बदले में, और उसका लास्ट डेट है 30 मई ऑडिटेड सर। इस बार वो बढ़ा दी गई है, इस बार बढ़ा दी गई, वो हम अपडेट वो मतलब एग्जाम के लिए बता रहे सबको। हाँ सही, बिल्कुल ठीक बात। तो 30 जून के बाद में बढ़ने की उम्मीद है जी कुछ, या नहीं? अभी सबको ऑडिट करना पड़ रहा है, अब 10 दिन रह गए सारे लिस्टेड कंपनी के लिए। नहीं, कुछ उम्मीद है बढ़ने की है? शायद नहीं सर,
जो बढ़ाना था बढ़ा दिया। तो ये अगर नहीं देता 60 दिन में तो क्या पेनल्टी है जी? सर एक क्वेश्चन और है गुप्ता जी, थोड़ा सा रिलेवेंट लग रहा है। ड्यू टू कोरोना ये अमेंडमेंट हो गई है करंट ईयर से, राहुल खंडूजा जी का क्वेश्चन, वो कह रहे हैं मेरे को एक अनम्यूट कर दीजिए एक बार। हाँ ठीक है, हाँ खंडूजा जी आप बोलिए प्लीज, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये 30 जून हुई है ये कोरोना की वजह से है या अमेंडमेंट कर दी गई है कि आप 30 जून में ही जाया करेगी? नहीं नहीं, नहीं, ये तो कोरोना की वजह से हुई है, एक्सटेंड हुई है कोरोना के लिए सर। अब हम लोग चलते हैं टेक ओवर कोड के लिए, हम अपना स्क्रीन शेयर करते हैं। सो अब आता है हमारे लिए कंपनी का टेक ओवर कोड। पहले था हमने पढ़ रहे थे लिस्टेड ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, अब ये आता है टेक ओवर कोड। तो LODR क्या है? वो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं और उनके लिए हर रोजमर्रा क्या क्या करना है, क्यों बोर्ड हो सकता है, कैसा हो सकता है, ये सब बताने के लिए हमारे लिए LODR है। टेक ओवर कोड कब कब एप्लीकेबल होता है? ये एक एक इवेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, हर समय नहीं लगता है। सेबी टेक ओवर कोड ये तरीका है, ये 2011 से चला आ रहा है, जिसमें ये बताया जाता है कि कोई कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदते समय इस पे बड़ा ध्यान रखे और सारे शेयर होल्डर को ये मौका मिलना चाहिए कि पता होना चाहिए कि उसकी कंपनी क्या हो रही है। अभी कुछ दिन पहले DHFL की शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज ने जबरदस्ती हटा दिया, वरना उसके कुछ स्पेकुलेशंस के कारण 12 रुपया का शेयर 52 रुपया तक लेके चला गया, जबकि इंसॉल्वेंसी एंड टेकओवर होने के बाद में उसकी शेयर की वैल्यू मात्र और मात्र 0 हो चुकी थी। तो ऐसा ऐसा टेकओवर रेगुलेशंस में आता है। तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि सेबी टेकओवर कब कब आया था और किस लिए आया था। सेबी टेकओवर कोड 2011 के लिए आया था और ये रेगुलेट करता है कब एक्वायरिंग ऑफ द स्टेट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। हम एक प्राइवेट कंपनी है और हम चुपके से कंपनी के बारे में शेयर्स खरीदते जा रहे और उसकी कंट्रोल को एक्वायर करने से पहले शेयर होल्डर्स को और सारे दुनिया को पता होना चाहिए कि इस कंपनी की टेकओवर होने वाली है, इसलिए ये टेकओवर रेगुलेशंस लाया गया। अब सबसे एक्विजिशंस ऑफ क्या, कभी कभी कोई लोग शेयर एक्वायर करता है, कई लोग वोटिंग राइट्स एक्वायर करता है, कई लोग कंट्रोल एक्वायर करता है। तो ऐसे हमारे समझ में तो हम लोग सब भी समझते हैं किसी का टेकओवर करना मतलब शेयर्स का लेना खरीदना, नहीं। कभी कभी शेयर आप ले लीजिए लेकिन वोटिंग राइट्स प्रमोटर के पास रहता है, तो वो वोटिंग राइट्स हम लोग ले लेते हैं। कभी कभी कंट्रोलिंग पोजीशन ले लेते हैं, तो इसके लिए ये इसको बोला जाता है सब्सटेंशियल एक्विजिशन, जब शेयर वोटिंग और ये सब में और है, चाहे आप शेयर लीजिए, चाहे आप वोटिंग राइट लीजिए, चाहे कंट्रोल लीजिए, तब भी आप माने जाएंगे सब्सटेंशियल एक्विजिशन हुई। By any acquirer, by itself or together person acting in concert. मुकेश अंबानी चुपके से आस्ते ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ। PS ओबराय हमारे ओबराय ग्रुप जो होटल चलाते हैं, वो आस्ते आस्ते एक कंपनी जो है होटल चेन बिजनेस में एक्वायर कर रही थी, जिसमें ITC का 51% था। तो अगर ओबराय जी खुद और अपने साले और जीजा सबके साथ मिलकर अगर एक्वायर करते हैं किसी का शेयर या वोटिंग राइट्स या कंट्रोल, तब उनको टेकओवर कोड एप्लीकेबल होता है। अब कई लोग डायरेक्टली एक्वायर नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली एक्वायर करते हैं, और अगर वो एक्वायर कर रहे हैं इंडिया में बैठे बैठे बाहर का भी, तो उनके लिए ये कोड लागू है। अच्छा, एक्वायरर कौन होता है? एक्वायरर एक ऐसा पर्सन है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या ले, शेयर्स ले, वोटिंग राइट्स ले या कंट्रोल ले, किसमें? इन द टारगेट कंपनी, जो मैंने बताया PS ओबराय वो ऑर्चिड होटल्स में एक्वायर कर रहे थे शेयर्स, तो टारगेट कंपनी हो गई ऑर्चिड और एक्वायरर हो गए PS ओबराय, ओबराय ग्रुप, ओबराय ग्रुप खुद बाई हिमसेल्फ और बाई पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट।
क्या कर रहे हैं, कंट्रोल ले रहे हैं, राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। अब कंट्रोल किसको बोला गया है, कंट्रोल उसको बोला जाता है जो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सके। दो डायरेक्टर को अपॉइंट किया कुछ नहीं, मेजोरिटी होनी चाहिए, पांच की डायरेक्टर है, तीन अपॉइंट करने का पावर मेरे पास है, और कंट्रोल ऑफ द डिसीजंस, पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द कंपनी। अभी भी रतन टाटा कंपनी में नहीं है, लेकिन वो पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, तो इनके लिए वो कंट्रोल उन्हीं के हाथ में, कंट्रोल द पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द कंपनी। और ये कंट्रोल या तो बाय द मींस ऑफ शेयर होल्डिंग के थ्रू आए, या मैनेजमेंट राइट्स के थ्रू आए, या शेयर होल्डर्स के एग्रीमेंट के थ्रू आए, या एनी अदर मैनेजमेंट के थ्रू आए, तो हम लोग कंट्रोल मानते हैं। एक्वायरर समझ गए पियर सोब्रॉय के थ्रू, कंट्रोल समझ गए हमारे रतन टाटा के थ्रू। अब आइए पीएसी किसको बोलते हैं, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट मतलब चोर चोर भाई, मतलब मैं भी लेने वाला हूं आप ले लीजिए, दोनों जन जबकि रिश्तेदारी नहीं है, फिर भी मैं दोनों जन मिल करके शेयर्स ले रहे हैं, कंट्रोल ले रहे हैं, किसी का पावर ले रहे हैं, तो हम दोनों पीएसी कहलाएंगे। पीएसी पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट मींस हु फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव। मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हूं, लेकिन मैं और गुप्ता जी मिलकर के कंपनी का शेयर ले रहा हूं, मेरा दोनों का ऑब्जेक्ट एक है, तो हम दोनों पीएसी कहलाएंगे, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। अब डायरेक्टली कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे गुप्ता जी, मैं कर रहा हूं कोऑर्डिनेट सारे दुनिया से, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, फंड मेरे को प्रोवाइड कर रहे हैं, इनडायरेक्टली मेरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, तो भी गुप्ता जी मेरे लिए पीएसी कहलाएंगे। अच्छा, टू एक्वायर शेयर, किस लिए मेरे को हेल्प कर रहे हैं, चाहे हम कहीं से एक्वायर शेयर कर सकें, किसी का वोटिंग राइट्स ले सकें, किसी का कंट्रोल ले सकें टारगेट कंपनी का, बाई मीन्स ऑफ एन एग्रीमेंट, हमने एग्रीमेंट किया गुप्ता जी के साथ, या हमने एग्रीमेंट नहीं किया, हमने अंडरस्टैंडिंग कर ली, तो भी हम पीएससी कहलाएंगे। और कई कई केसेस में तो सेबी बोलता है कि हम मानते ही हैं आपके बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ, फोन नहीं हुआ, लेकिन आप डीम टू बी पीएससी कहलाएंगे। अब आइए, सेबी बोलता है कि अब आपको कब कब कुछ कुछ बताना पड़ेगा, अगर आप किसी कंपनी में 5% हिस्सेदारी खरीदते हैं तो कोई डिस्क्लोजर नहीं बताना है, लेकिन अगर 5% से लेकर 14.9% तक अगर आप रखते हैं, तो आप जब जब शेयर्स खरीदेंगे या बेचेंगे तो आपको बताना पड़ेगा सेबी को कि ये प्रमोटर बेच रहा है, खरीद रहा है, या दूसरा कोई खरीद रहा है। अगर जैसे ही 50% आपका ट्रिगर हुआ किसी कंपनी में शेयर्स, 15.01 भी हुआ, तो बोला गया बताओ, क्या बताओ, ओपन ऑफर लाओ, मतलब पब्लिक को पूरा बताओ कि मैं इस कंपनी को खरीदने जा रहा हूं। अभी रिसेंटली मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी जंडू को उन्होंने सारा शेयर्स बेच दिया और बोला मेरा 15% से ज्यादा हिस्सेदारी है, मैं बेच रहा हूं। तो 15% से जैसे ज्यादा बेच खरीदे जा रहा कोई कंपनी दूसरे कंपनी का, तो ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। ओपन ऑफर मतलब सारे दुनिया को बताओ कि मैं 20% लेने जा रहा हूं, जिससे कि लोगों के बाद में ये पता चले, लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, सेल करने के लिए या खरीदने के लिए। अब ये शेयर होल्डर पे डिपेंड करता है, पब्लिक के ऊपर में वो खरीदे या बेचे। अबव 15% होल्डर्स परमिटेड अप टू, अगर आप 15% शेयर होल्डर ऑलरेडी हैं किसी कंपनी में, तो आप एक ही बार में 40% नहीं खरीद सकते हैं। आपको करने का अनुमति सिर्फ और सिर्फ 5% पर एनम, साल में 5% ले सकें, जो कि आस्ते आस्ते 54.9% तक जा सकता है। और जैसे 54 के ऊपर में फिर गया, फिर ओपन ऑफर लाइए। तो देखिए, ओपन ऑफर लाने का ट्रिगरिंग एक बार यहां है 15% एंड अबव, तो ओपन ऑफर 20%। अब यहां पे नहीं है, आप आस्ते आस्ते लीजिए, जैसे 55% हुआ मतलब आप मेजोरिटी में आ गए, तो फिर से ओपन ऑफर लाइए टू द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग हम लोग जानते हैं कि पब्लिक में कम से कम 25% हिस्सेदारी पब्लिक की होनी चाहिए, 75% ही प्रोमोटर रख सकता है। अबव 55% फिर से ओपन ऑफर लाइए। तो तीन पॉइंट है, 55% है, कुछ और खरीदने जा रहे हैं तब लाइए, अबव 55% है तब लोगों को बताइए, और 15% है तब बताइए। न्यू प्रोविजंस आया था इसमें कि अब इसमें पहले हमने जो पढ़ा था वो था, उसमें एक और अमेंडमेंट आया कि 5% तक कोई डिस्क्लोजर नहीं, 5% से लेके 25% तक सिर्फ डिस्क्लोजर करिए स्टॉक एक्सचेंज को। लेकिन जैसे अब 25% आप क्रॉस करते हैं, तो अब आपको ओपन ऑफर लाना पड़ेगा मिनिमम 26% एक्वायर करने के लिए, लोगों से आपको एक्वायर करना है। और अगर आपका 25% होता है, अबव 25% से जैसे आप जाते हैं, तो आप साल भर में 5% ही ले सकते हैं, करते करते कहां तक जा सकते हैं, 75% तक।
शेयर होल्डिंग इज एक्विजिशन और पर्सन इन एक्सेस, चाहे आप खुद खरीद रहे हो चाहे मिलाकर किसी के साथ खरीद रहे हो तो भी ये माना जाएगा। कई सारे सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन में कुछ रेगुलेशंस हैं। रेगुलेशन 3 बोलता है इफ होल्डिंग ग्रेटर देन 25%, रेगुलेशन 3.2 बोलता है इफ पर्सन ऑलरेडी होल्डिंग 25% और वो 5% एक्वायर करने जा रहा है। तो अगर बिटवीन 25% से लेकर और 75% तक है तो अप टू 5% पर एनम इज अलाउड। साल भर में आप इस दायरे में 5% पूरे कंपनी की पेड अप कैपिटल का शेयर्स आप ले सकते हैं। और अब कहां तक नहीं ले सकते हैं, कैन नॉट एक्वायर मोर देन द परमिटेड होल्डिंग, मतलब 75% से ज्यादा तो आप ले ही नहीं सकते मार्केट में। ओनली ग्रॉस एक्विजिशंस आर कंसिडर्ड, डिफरेंट बिटवीन पोस्ट एंड प्री अलॉटमेंट कंप्यूटेशन करना पड़ेगा और इंडिविजुअल प्लस होल्डिंग कंसिडर्ड नाउ प्रोमोटर ट्रीटेड ऑन पार विद एनी अदर एक्वायरर, मतलब अगर प्रोमोटर खुद मार्केट में लेना चाहे या बेचना चाहे तो आपको एक्वायरर के साथ में ही डीलिंग करना पड़ेगा। अच्छा, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, रेगुलेशन 4 बोलता है कि अगर आप किसी की कंपनी का कंट्रोल एक्वायर करने जा रहे हैं तो उसके लिए सेपरेट रेगुलेशंस है, उसका आप कंपनी को बताइए कि हम उस कंपनी का एक कंट्रोल लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप ये बोला हो पढ़ना, उसमें ये बोला गया है कि एप्लीकेबल इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर देर इज एन एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और नॉट। आप कंपनी का कंट्रोल ले रहे हैं लेकिन शेयर्स नहीं ले रहे हैं तो लोगों को बताइए, पब्लिक को बताइए, स्टॉक एक्सचेंज को बताइए। बोला कि भाई मैं तो शेयर्स नहीं ले रहा हूं तो मैं बताऊंगा, तो आंसर इज यस, आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आप किसी कंपनी का कंट्रोल एक्वायर करने जा रहे हैं। रेगुलेशन 5 बोलता है इनडायरेक्ट एक्विजिशन किसको बोलते हैं, तो डिफाइनिंग इनडायरेक्ट एक्विजिशन का मतलब एक्वायरिंग ऑफ शेयर्स, वोटिंग राइट्स या कंट्रोल। तो ये 3 हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंट्रोल एक्विजिशंस इनडायरेक्टली, चाहे आप शेयर्स का लीजिए, चाहे वोटिंग का लीजिए, चाहे कंट्रोल का लीजिए, किस पे लीजिए, ओवर एनी कंपनी और अदर एंटिटी, उस एंटिटी में जिसमें आप का शेयर होल्डिंग पहले से था उसमें ले रहे हैं या उसके थ्रू किसी और कंपनी में ले रहे हैं तो भी आएगा आपका इनडायरेक्ट एक्विजिशंस में। दैट वुड इनेबल द पर्सन प्लस पीएसी, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट टू एक्सरसाइज वोटिंग राइट्स, कंट्रोल और ओवर द टारगेट कंपनी सच दैट इट वुड अट्रैक्ट द ओपन ऑफर। डायरेक्ट वर्सेज परसेंटेज रूल, ये हमारे लिए ये आते हैं वॉलेंट्री ऑफर। वॉलेंट्री ऑफर क्या होता है, जिसमें मैंडेटरी नहीं है, आपको खुद ही चल के बताना पड़ेगा कि हम एक कंपनी की शेयर्स को आस्ते 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 हम एक्वायर कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनी में आज भी ये डीलिंग हो रही है, मैंने तो ओबराय के बताया, ऐसे अभी रुचि सोया को जब एक्वायर कर रहे थे पतंजलि, तो उसके पहले भी कई और लोग एक्वायर कर रहे थे आस्ते आस्ते, तो उसको बोला गया था वॉलेंट्री एक्वायर। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है वॉलेंट्री ऑफर के लिए, 25% आपके पास में पहले ही शेयर्स है उस कंपनी का। अगर पतंजलि रुचि सोया को पहले से ही कुछ कुछ शेयर्स खरीद रहा था, इसलिए खरीद रहा था क्योंकि उसको पता था कि रुचि सोया जो है अगर सीआईआरपी के प्रोसेस के थ्रू निकलता है तो उसका पूरा का पूरा प्रमोटर ग्रुप पूरा एक्वायर कर देगा। रुचि सोया को पतंजलि ग्रुप ने एक्वायर किया तो वो उसने वॉलेंट्री ऑफर किया, किस लिए, क्योंकि उसके पास में मिनिमम एलिजिबिलिटी था 25% ऑलरेडी था और वो ऑफर लाया और बोला हम मिनिमम 10% लेंगे। ये लास्ट 52 वीक्स वॉलंटरी एक्विजिशन बाय सेल्फ एंड पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट कैन नॉट मेक वॉलंटरी ऑफर। अगर कोई कंपनी लास्ट एक साल में अगर शेयर्स खरीद रहा है ले रहा है तो वो वॉलंटरी ऑफर नहीं ला सकता, और वो वॉलंटरी ऑफर कैन नॉट एक्वायर शेयर्स फ्रॉम ओपन मार्केट ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड। मतलब अगर ऑफर पीरियड चल रही है, मतलब कि पब्लिक को ये बोला गया है कि भाई मैं कंपनी का खरीदने जा रहा हूं या लेने जा रहा हूं तो मैं खुद पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। कैन नॉट एक्वायर फॉर मोर 6 मंथ्स पोस्ट ऑफर पीरियड एक्सेप्ट थ्रू एन अदर वॉलेंट्री ऑफर। मतलब कि अगर रुचि सोया में पतंजलि एक्वायर करने जा रहा है वॉलेंट्रली तो कैन वो क्या करेगा, कैन नॉट एक्वायर फॉर 6 मंथ्स पोस्ट ऑफर पीरियड, 6 महीना ऑफर पीरियड खत्म होने के बाद में नहीं कर सकता है। और वो कैसे एक्वायर नहीं कर सकता, वॉलंटरी ऑफर के थ्रू नहीं ले सकता। वॉलंटरी एक्विजिशंस बाय प्रमोटर्स वेदर हिट बाय द बार और एक्विजिशन रूल्स, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसमें रेगुलेशन 7 बोलता है ऑफर साइज के बारे में। हमने पढ़ा वॉलंटरी ऑफर, हमने पढ़ा पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट किसको बोलते हैं, कंट्रोल किसको बोलते हैं।
अब हम लोग पढ़ते हैं ऑफर साइज क्या होता है। रेगुलेशन 7 बोलता है ऑफर साइज के बारे में, इफ अगर एटलीस्ट 26% किसी कंपनी का टोटल शेयर्स एज ऑफ 10th डे ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट अगर होता है, इंक्लूडिंग शेयर्स टू बी एक्वायरिंग थ्रू अ पब्लिक अनाउंसमेंट, बताना पड़ेगा ऑफर साइज कि हम क्या लेने जा रहे हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट में ये करिए कि हम कितना शेयर्स एक्वायर करने जा रहे हैं। इफ शेयर होल्डिंग वुड एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट अंडरटेकिंग, हम ये लेंगे कि हम अंडरटेक करते हैं कि हम ब्रिंग डाउन करेंगे विद इन द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत, मतलब कि कंपनी में मिनिमम शेयर होल्डिंग 75% ही प्रमोटर रख सकता है, 25% पब्लिक रख सकता है। तो अगर हम पब्लिक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं और उसमें हम ये अंडरटेकिंग देंगे कि हम अगर एक्वायरेशन के दौरान 75 के बदले में मेरा 76 हो जाएगा तो हम उसको ब्रिंग डाउन करेंगे, मतलब कम करेंगे, 75% तक लाके रखेंगे। सच पर्सन हु हैज एक्सीडेड द मैक्सिमम लिमिट कैन नॉट मेक अ वॉलंटरी डीलिस्टिंग ऑफर फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, मतलब अगर रुचि सोया को एक्वायर कर लिया पतंजलि तो 12 महीने के अंदर अंदर उसको डीलिस्टिंग कराए, लेकिन अगर सीआईआरपी प्रोसेस में ये है तो डिलीस्टिंग करा सकता है। फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं वीडियोकॉन को अभी लास्ट सप्ताह में एक्वायर किया 2000 करोड़ में, 7 का ड्यू था लेकिन 2000 करोड़ में एक्वायर किया। अब उसमें ये प्रोसेस में लिखा ही था कि आपको डिलीस्टिंग करना पड़ेगा, तो कल के न्यूज़पेपर में आया कि डिलीस्टिंग हो रही है वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के सारे शेयर्स जिस कंपनी का एक्वायर किया गया वेदांता ग्रुप के। ये है ऑफर प्राइस का रेगुलेशंस। इन प्राइसिंग कैसे होगा, क्या तरीका है प्राइस डिटरमाइन करने का, तो बोलता है अगर इनडायरेक्ट एक्विजिशंस कर रहे हैं और आपने अगर डिले किया है पब्लिक अनाउंसमेंट को 5 दिन से ज्यादा तो आपको ब्याज देना पड़ेगा 10% आपको ब्याज देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आपने डिले किया, पब्लिक को बताया नहीं कि हम एक्वायर करने जा रहे हैं। अच्छा, प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है ये हम लोग देखते हैं हायर एंड लोअर 26 सप्ताह का। फॉर देखो एक्वायर पोस्ट ऑफर प्राइस ऑफ 26 वीक्स प्राइस हायर देन द ऑफर प्राइस एक्सेप्ट फॉर अनदर पर्सन, तो हमको क्या करना पड़ता है 26 सप्ताह का हायर और लोअर दिया जाता है और उससे कम मिनिमम उससे कम नहीं हम लोग ऑफर कर सकते हैं, ज्यादा ही देना पड़ेगा। ये सारे रेगुलेशंस टेकओवर रेगुलेशंस हमारे लिए कब कब एप्लीकेबल नहीं है, जब अंडर रेगुलेशन फॉर एग्जेम्पशन इंटरस्टेट ट्रांसफर हो रहा है, प्रमोटर पीआरएस ओबेरॉय अपने ही घर के किसी परिवार सदस्य को अगर शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है बिटवीन रिलेटिव्स या अपने पीएसी को या अपने प्रमोटर को, तो टेकओवर कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमारे लिए टेकओवर कोड किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा ये हमको जानकारी ज्यादा चाहिए, इंस्टीट्यूट किसके लिए एप्लीकेबल होगा सिर्फ वो जानकारी चाहिए। बीच में जितना प्राइसिंग और ये सब आया हमारे लिए एग्जाम में उतना ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन अगर एग्जामिनर पूछना चाहे तो पूछ ही सकता है। लेकिन एग्जेम्पशन किसके किसके लिए है, अगर प्रमोटर के बीच में अंदरूनी कुछ शेयर ट्रांसफर या सेल परचेज हो रहा है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर प्लेजी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक या बैंकर्स प्लेज करके शेयर्स एक्वायर कर लेता है डिफॉल्ट के दौरान तो उसमें से भी टेकओवर कोर्ट नहीं लगेगा। जैसे आपको पता होना चाहिए कि यस बैंक ने अभी रिसेंटली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे शेयर्स को प्लेज करके उसमें कंपनी के शेयर्स लिया तो उसमें टेकओवर कोर्ट एप्लीकेबल नहीं हुआ यस बैंक का, क्योंकि वो उस कंपनी का कुछ कंट्रोलिंग पावर उसके पास में आ गया है। पर्सुएंट टू स्कीम ऑफ मर्जर, मर्जर के लिए अगर कुछ आ रहा है या BIFR बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रेगुलेशंस के थ्रू अगर कोई शेयर्स लेन देन परचेज या किसी का कंट्रोल आ जाता है तो उसके लिए टेकओवर एप्लीकेबल नहीं है। सारफेसी के लिए, डीलिस्टिंग के लिए या ट्रांसमिशन के लिए, उसके लिए टेकओवर एप्लीकेबल नहीं है। सर ये सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 एंड 12 जो रिसेंटली टेकओवर और मर्जर पे आया है, हाँ, ये उसी की रिकमेंडेशन है ना? हाँ, ये रेगुलेशंस करेक्ट। अच्छा, दूसरा ये है सर, सिलेबस हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है क्योंकि एग्जेम्पशन ऑनवर्ड सिलेबस में है नहीं आगे, करेक्ट, बस लास्ट मोड ऑफ पेमेंट तक ही ये कंप्लीट हो जाता है, करेक्ट, एग्जेम्पशंस नहीं है हमारे। हाँ ठीक है, तो अब एक्चुअली काफी सारी क्वेरीज हैं, वो सब, हाँ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि टॉपिक निकल जाता है फिर ध्यान से निकल जाती है, तो सबको अनम्यूट कर देते हैं।
सर अनम्यूट कर दिया है सभी को, वन बाई वन क्वेरी आप पुटअप कर सकते। मिश्रा जी, ये जो आप बोल रहे थे 15% होते ही 20% का मिनिमम पब्लिक ऑफर देना पड़ेगा, तो उसके लिए ये 15+20 है या 15+5 है? नहीं नहीं 15 तो आप ऑलरेडी होल्ड करके रखे ही हैं। ओके, उसको ओवर एंड अबव दैट 20 करेक्ट। और ये एक आपने इसमें स्लाइड्स में दिखाया था, एक तो ओल्ड प्रोविजन दिखाया था, एक न्यू प्रोविजन दिखाया था। ये जो न्यू प्रोविजन है, ये इसके बाद ओल्ड प्रोविजन खत्म हो गई या ये एडिशनल प्रोविजन है? नहीं सर, वो ओल्ड वाली नहीं है, अब तो न्यू वाली ही है सारी। और ये हमारे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। हाँ बोलिए सर। कैसा ये पीपीटी आप शेयर कर दीजिएगा? हाँ हाँ मैं अभी दे दूंगा। हाँ सर, मैं सोमदत्त बोल रहा हूँ। सर आपने वो म्यूट हो गया का वैल्यू था, तो वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? प्राइसिंग शेयर्स? हाँ नहीं नहीं इसी में 8-9 स्लाइड में अगर आप गए ऊपर। ये वाला आने इसके ऊपर 8th या 9th है स्लाइड, 8वां नंबर या 9वां नंबर है? ये 8 है, ये 9 है। हाँ सो वो 9। इसके ऊपर हाँ ये जो है ओनली ग्रॉस एक्विजिशन कंसिडर्ड, सो ये जो 5th पॉइंट है ना, ट्रिगर फॉर ओपन ऑफर ओनली ग्रॉस एक्विजिशन कंसीडर्ड। ये ओपन ऑफर ट्रिगर लिमिट है, ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट बताया गया है हमारे लिए। रेगुलेशन 3 में बोला गया है कि अगर हमारी हेलो हम ये इसमें रेगुलेशन 3 में बोला गया हमारी होल्डिंग जैसे 25% से ज्यादा है तो हम ट्रिगर हो गए, मेरे लिए ओपन ऑफर लाने के लिए मजबूर हो गए। रेगुलेशन 3.2 बोलता है कि अगर हमारे पर्सन ऑलरेडी होल्डिंग 25% है और इफ एक्वायरिंग इज मोर देन 5% पर एनम, तो हमके लिए फिर से ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। बिटवीन 25% से और 75% के बीच में है तो, और अगर हम एक्वायर कर रहे हैं अनादर 5% तो आपको ये देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ लिखा गया था ओनली ग्रॉस एक्विजिशन एक्विजिशन इज कंसिडर्ड, मतलब कि अगर हमारे पास में कोई 25% शेयर्स है और हम अगर एडिशनल कुछ 10% या 20% एक्वायर करने जा रहे हैं तो हम ये माने जाएंगे कि ओपन ऑफर, हम एक्चुअल में ये बताएंगे कि ग्रॉस एक्विजिशन हमारी कितनी हो जाएगी। ओके, सो पहले के मिला के सब कुछ बताना पड़ेगा ट्रिगरिंग करते समय ऑफर प्राइस। ओके ओके, मैं अप टू 5% तो अलाउड है ना, 5% के ऊपर अगर करते हैं, ऑलरेडी 25 होल्ड कर रहे हैं और 5% उससे मतलब 31 पे जा रहे हैं, तभी हमें ओपन ऑफर देना पड़ेगा ना। अगर आपका ये एक-एक ब्रीच है सर, जैसे 25% वाले लोगों के लिए है, आप या तो दो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, या तो आपकी होल्डिंग जो है वो 25% से ज्यादा नहीं है, तो आप क्या करने जा रहे हैं, हम कुछ एक्वायर करने जा रहे हैं कुछ और शेयर, तो उसके लिए आपको ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आप दूसरे कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आपके पास ऑलरेडी 25% है और आपको जाना जितना भी जाना है, लेकिन आप 75% तक ही जा सकते हैं, तो आप साल भर में कैसे कैसे ले सकते हैं? 5% पर एनम इज अलाउड, उससे ज्यादा लेते हैं एक साल में तो फिर ओपन ऑफर लाना। तो सर 5% का एक्विजिशन जो पर एनम है वो बगैर ओपन ऑफर के लिया जा सकता है? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर 5% से ज्यादा एक्वायर करने की इच्छा है 75 तक जाना तो ओपन ऑफर पे जाना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। तो मिश्रा जी, जब उसने वो 25% को ब्रीच किया था तब इसका मतलब उसने दिया होगा ओपन ऑफर? हाँ हाँ, ये तो लिखा है ना रेगुलेशन 3.2 में। नहीं नहीं, पहले जब उसके पास कह रहे हैं ना, मान लो मेरे पास 2 साल पहले 25% थे, 2 साल में मैंने कुछ काम नहीं किया, कोई एक भी शेयर नहीं लिया, आज मैं शेयर लेना चाहता हूँ, और उस टाइम मैंने 25 जब मैंने ब्रीच किया था, 25 पॉइंट मेरे पास 5 हुए थे तब मैंने ब्रीच किया था, तब मैंने नहीं बताया था, ये पॉसिबल है कि मैंने तब ओपन ऑफर ना बताया हो? देखिए क्या होता है, अगर आप ऑलरेडी 25 यहाँ पे आपका 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 क्वेश्चन इस कैटेगरी में बिलोंग करता है, देखिए राइट, इफ होल्डिंग ऑलरेडी ग्रेटर देन 25% से हम लगभग इतना हम ऑलरेडी होल्ड करके रखे हैं,
ठीक है, और जैसे आप इस ब्रीच करेंगे इस कैटेगरी में आएंगे 3-2 में, तो आपको देना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप अभी बोल रहे हैं ना कि 25% से ज्यादा मेरे पास है तो मुझे ओपन ऑफर नहीं लाना है, आई कैन बाय 5% पर एनम विदाउट एनी ऑफर, ठीक है ना? करेक्ट, दिस इज ओके। लेकिन जब 25 मैंने ब्रीच किया था, चाहे वो एक साल पहले, दो साल पहले, तीन साल पहले, कभी भी मैंने किया था, तब मैंने ओपन ऑफर नहीं लाए थे या बताया नहीं था, तो उसका क्या होगा फिर? तो पॉसिबल है? नहीं नहीं, जैसे आप 25% एक्वायर से 1% एक्वायर एक्सीड किए हैं, ठीक है, तो आपको 25% एक्वायर जैसे आप एक्सीड करेंगे तो आपको उसमें मिनिमम जो है 5% पर एनम साल भर में आप एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन आप 1% मैक्सिमम लिमिट है 5% एक्वायर करने का। मान लीजिए 1% एक्वायर किए तो भी बताना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को, ऑफर प्राइस ऑफर नहीं लाना पड़ेगा आपको, सिर्फ बताना पड़ेगा। मतलब देयर आर टू थिंग्स, वन इज डिस्क्लोजर बिफोर सेबी एंड अनदर इज ओपन ऑफर। अगर अपन 5% तक एक्विजिशन करते हैं सालाना, तो हमें ओपन ऑफर नहीं लाना, सिर्फ सेबी को बताना है। और यदि 5% से ज्यादा खरीदने की इच्छा है तो अपने को बताना पड़ेगा, तो अपने को सेबी को तो बताना ही बताना है, ओपन ऑफर भी लाना पड़ेगा ताकि पब्लिक में लोगों को हिस्सेदारी मिलने, बेचने या खरीदने का मौका मिले, इक्वल राइट्स मिले। तो विवेक मिश्रा जी, इसमें एक और बता दीजिए ना, वन टाइम डिस्क्लोजर और कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर, उससे क्लियर हो जाएगा कि कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर तो आपको करना ही है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में वन टाइम। हाँ, वो थोड़ा पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। एनुअल डिस्क्लोजर होता है हर कंपनी को, साल में 30 मार्च के खत्म होते ही हर कंपनी को अपने सेबी में ये बताना पड़ता है कि भाई मेरे कंपनी में इतने शेयर होल्डिंग है साल के एंड में, ये हो गया एनुअल डिस्क्लोजर। कैसी लगी? और रेगुलेशन 30 में आता था कि कंटिन्यूअल एक आता है कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर, एनुअल डिस्क्लोजर तो साल के एंड में हो गया, कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर में यही बात बोला गया है कि जब जब किसी कंपनी में कुछ कुछ शेयर्स आता है, एक्वायर किया जाता है, तो हर उस इवेंट के बाद में स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता है, चाहे वो प्रमोटर से किसी के बीच में चला गया या सेल हुआ या परचेज हुआ या जब भी हुआ, फॉर्म सी बोल के एक फॉर्म आता है, उसमें स्टॉक एक्सचेंज सेबी को बताना पड़ता है। नहीं तो क्वेरी ये है कि अब स्टॉक एक्सचेंज को कंपनी बताएगी या हम बताएंगे? हम तो दोनों बताएंगे, कंपनी उन्हें बताएगी। अगर आशीष गुप्ता जी रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीद रहे हैं तो आप फॉर्म बी भेजेंगे रिलायंस को कि देखिए भाई साहब, कंपनी को भेजूंगा, कंपनी आगे बताएगी। हाँ, और कंपनी बोलेगा फॉर्म सी में कि देखिए मुझे आशीष गुप्ता जी से पता चला कि उन्होंने मेरा कंपनी का शेयर खरीदा है, और मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक एक्सचेंज को बोलता हूँ कि आशीष गुप्ता जी का फॉर्म बी मिला है और मैं सी में बता रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज को कि इतना पेयर शेयर्स खरीदा गया। करेक्ट। अब मेरा क्वेश्चन पीछे वाला पुराना वैसे ही रह गया। मैं ये कहना चाह रहा था, पहले इसकी लिमिट थी 15% की ट्रिगर करने के लिए फॉर ओपन ऑफर के लिए, ठीक है, अब हो गई है 25%। करेक्ट। अब जब मैंने दो साल पहले मैंने कोई काम नहीं किया पिछले दो साल में, ठीक है, अब दो साल पहले जब मैंने 15% मैंने ट्रिगर किया था तब मैंने ओपन ऑफर दिया था, करेक्ट, और उसमें मैं एवरी ईयर 5% तक 75% तक जा सकता था, करेक्ट? नहीं, उसमें भी था एक लिमिट था 15, फिर 15 से 25, फिर 25 से फिर ऐसे, तो वो 15 को बढ़ा दिया। पुराने वाला खोलो ना एकदम, आपकी जो आपकी शीट है वो खोलो एकदम पुराने वाले में। हाँ, इससे पिछली इसमें क्या था? ईयर अप्रिय, देखिए अवरलियर प्रोविजन में था अप टू 5% नो डिस्क्लोजर, 5% से 14 पॉइंट में आप जब जब ला रहे हैं आप डिस्क्लोज करते जाइए। हाँ। अब 15% एंड अबव 16% 17 18 19 20 ओपन ऑफर अब आपको लाना पड़ेगा फॉर 20%, ठीक है, 20% ऑफ शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है, अबव 15% होल्डर परमिटेड अप टू 5% पर एनम, और वो कब तक जा सकता है आपका? 55% तक जा सकता है। 55 तक, वही आ गई ना क्वेरी मेरी, वही है अभी। हाँ। देखिए 15 जब मैंने ब्रिज किया था मैंने ओपन ऑफर दे दिया था, ठीक है। हाँ। अब ये बाद में लिमिट बढ़ के 15 से 25 हो गई है, लेकिन पहले मैं 15 से 55 तक जा सकता था बिना ओपन ऑफर के 5% एवरी ईयर। अब मैं 15 और 25 के जैसे ही मैं 25 क्रॉस करूंगा अब नया चेंज आ गया, तो क्या मुझे दोबारा ओपन ऑफर देना है? नहीं नहीं नहीं, यही देखिए आपका ये इस कैटेगरी में सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज को बताना है। नहीं नहीं, ये देखो ना 25 क्रॉस करते ही आप कह रहे हो ना कि ओपन ऑफर जाना चाहिए।
सर ओपन ऑफर तो एवरी टाइम देना पड़ेगा जब जब आप एक्विजिशन करना चाहेंगे 5% से ज्यादा। नहीं वो अलग है यार, मेरी क्वेरी नहीं समझ रहे हो अभी आप। नहीं इसका कहने का मतलब है, मैंने 15% किया था पुराने रूल्स के अकॉर्डिंगली, तब मैंने ओपन ऑफर किया था। पहले ये इसमें बिलोंग करते थे 59% अबव, और ये बोल रहे हैं 15% से उतर जाकर के हम 55% तक जा सकते थे। अब अगर क्रॉस किए, अब यहाँ पे ये बेनिफिट ले रहे हैं, तो अगर मेरा 25% से अबव तक गए तो हम क्या 15 से लेकर 25 तक जब गए तो हम क्या किए? स्टॉक एक्सचेंज को बताएं कि ऑफर प्राइस लाएं, यही बोल रहे हैं ना आशीष जी? वो तो बता दिया। अब मैंने 25% आज क्रॉस कर रहा हूं, तो क्या मैं दोबारा उनको ओपन ऑफर लाना पड़ेगा ना? तो देखिए ये जब आया था, ये 2018 या 19 में जब आई थी, तो उस दिन का पोजीशन देखा जाएगा। अगर आपका उस दिन का पोजीशन 25% से कम है, ज्यादा है, कम या था, क्या था? मेरी 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 एग्जांपल में कम था उस दिन मेरा, कम था मेरा, देखे ना 15 से ज्यादा था, 15 पे मैंने ओपन ऑफर दे दिया था उस टाइम पे, वो मैंने कंप्लायंस कर दिया था, तब मैं 55 तक जा सकता था बिना ओपन ऑफर के। हाँ तो ठीक है, अब क्योंकि 25 हो गया है, मैं अभी तक 25 से नीचे था, आज मैं 25 से ऊपर जाना चाहता हूँ, 15 मैं ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ, तो 25 से अब मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, तो क्या मेरे को फिर दोबारा ओपन ऑफर देना पड़ेगा? हम इसको एक डेट के हिसाब से लेते हैं, 1 जून 2018 में ये प्रोविजन आया, ठीक है। अब 1 जून 2018 में आपका एंजॉयमेंट चल रहा था कि हम 55% तक एक्वायर कर सकते हैं, राइट? 15 का ऑलरेडी मैं दे चुका था ओपन ऑफर। हाँ, अब आप समझ लीजिए 1 जून को आपका, जैसे आप 1 जून को नया प्रोविजन आया, तो अब आप बोल रहे हैं 1 जून को मानो मेरा 17% था मेरे पास होल्डिंग, 15 के बाद मैंने ओपन ऑफर दे चुका था, मेरी होल्डिंग 17 थी। हाँ तो आप 1 जून में, आप अभी आपका 1 जून में पोजीशन कितना आ रहा है, आप किस इसमें? 1 जून में मेरी पोजीशन थी 17%, ठीक है, और आज उसके बाद जो है मैंने धीरे धीरे करके, मतलब धीरे धीरे करके मैं 24% तक आया। जैसे 1 जून में जो पोजीशन आएगा तो आपके ऊपर न्यू प्रोविजन लग जाएगा, और आपका न्यू प्रोविजन में बता रहा है कि 17% है, तो आप बन रहे इस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे। देखिए तो वही हो गया ना, मेरे को दो दफा ओपन ऑफर देना पड़ गया ना, एक 15 जब मैंने क्रॉस किया पुराने रूल्स के अकॉर्डिंगली, आज मैं 25 कर रहा हूं, तो नहीं होता ही है। हां ट्रांजिशन पीरियड में यही होता है। अच्छा अब मेरे को एक दो चीजें और बताओ, आपने बताया था पीछे उसके अंदर कि क्रेडिट रेटिंग चाहिए 500 करोड़ से ऊपर वाले को, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेडिंग बोलते हैं कि क्रेडिट रेटिंग बोलते हैं? उसको शायद ग्रेडिंग बोलते हैं। वो ग्रेडिंग देखिए दो चीज होता है, देखो शेयर्स के लिए ग्रेडिंग होती है, रेटिंग नहीं होती है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। करेक्ट करेक्ट, आपकी अंडरस्टैंडिंग 100% करेक्ट है। जब कोई भी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या आईपीओ आता है तो उसके लिए ग्रेडिंग होता है, करेक्ट, ठीक है, तो 500 करोड़ से ऊपर ग्रेडिंग चाहिए, ठीक है ना? करेक्ट, उससे नीचे वो ऑप्शनल है ग्रेडिंग कराना, करेक्ट, ठीक है। अब दूसरा मेरा क्वेश्चन, अभी आपने बताया कि 45 डेज की रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल रिजल्ट्स उनको बताने के लिए, करेक्ट, और 60 डेज फॉर एनुअल के टाइम पे, 31 मार्च के टाइम पे, ठीक है, करेक्ट। मैं थोड़ा सा इसमें मेरा क्लेरिफिकेशन ये था, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि मार्च वाले में भी 45 डेज है यदि आप अनऑडिटेड रिजल्ट पब्लिश करते हैं, करेक्ट, और ऑडिटेड करते हैं तो 60 है। हाँ तो सब लोग यही फायदा उठाना चाहता है कि एक बार हम अनऑडिटेड, ठीक है, तो मैं अपने अपने कुलीग्स को, दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज द डिफरेंस, 31 मार्च वाले की भी 45 दिन है यदि आप अनऑडिटेड ही पब्लिश करते हैं तो, करेक्ट, अगर आप ऑडिटेड लेना चाहते हैं तो 45 दिन, और अगर आप ऑडिटेड लेना चाहते हैं तो 15 दिन एक्स्ट्रा मिलिएगा, लेकिन आप ऑडिटेड दीजिए, करेक्ट। अगला मेरा पॉइंट था, जैसे आपने एनसीडीज के ऊपर कुछ कमेंट दिया था अभी उसमें पुराने वाले में, कि एनसीडीज हो तो हमें क्या करना चाहिए, बताना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज से, वो सारे फॉर्मेलिटी कम्प्लाई करनी पड़ती है, करेक्ट, करेक्ट, तो क्या कमर्शियल पेपर पे भी वो एप्लीकेबल है? देखिए एक सिक्योरिटीज का डेफिनेशन सेक्शन 2H ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस में डिफाइंड है, ठीक है, तो कमर्शियल पेपर्स में नहीं है, वहां नहीं है, है है है, हां रुकिए हम खोलते हैं आपको, एक बार स्क्रीन दिखाते हैं, कल ही हम एक इंस्टीट्यूट में ये दे रहे थे, क्लास दे रहे थे, तो हम आपको दिखाते हैं सिक्योरिटीज का डेफिनेशन। कौन से वाले रूल्स में बता रहे हो आप? एक मिनट, हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं ना आपके लिए, मेरे को इनेबल है ना गुप्ता जी, देखो 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 करो ना, कमर्शियल पेपर भी है क्या? बिकॉज कमर्शियल पेपर शायद ना हो, बिकॉज वो ना बड़े शॉर्ट पीरियड का होता है, कमर्शियल पेपर इज अप टू 180 डेज ओनली। हाँ तो शायद ना हो, वो वर्किंग कैपिटल के लिए कमर्शियल, देखिए एनसीडीज है वो टर्म लोन की तरह होता है, तो शायद ना हो, देखिए जरा, देखिए सिक्योरिटीज का डेफिनेशन में कमर्शियल पेपर, देखिए ये रहा,
ये एससीआर में पढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो आप? हाँ एससीआर में। कौन से एक्ट में पढ़ रहे हैं, एससीआर में? हाँ हाँ ठीक है, चलिए आगे चलिए। ये सिक्योरिटीज में क्या क्या है, ये रहा कमर्शियल पेपर। सिक्योरिटीज का डेफिनेशन में 2H ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन में कमर्शियल पेपर आता है। आता है, ठीक है, गुड है, चलिए जी गुड है। ये बट मैंने एससीआर में आज ही पढ़ा है, एससीआर उसमें है। ये देखिए मैं अमेंडमेंट बता रहा हूं आपको, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ये रेपो में छोड़। ठीक है चलिए, ठीक है एग्रीड। अच्छा एक इसमें ना आपने जो उसके अंदर रह गया हमारा एलओडीआर में, ये चेंज शायद साले भर पहले आया था कि ऑडिटर यदि कोई रिजाइन करता है अब उसको बहुत क्लियरली अपना रीजंस एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, वो ऐसे नहीं रिजाइन कर सकता है। करेक्ट, वो आपने कहीं कवर नहीं किया शायद, रह गया या कवर किया? हमने बोला था कि ऑडिटर का दो तीन पॉइंट था, हमने बोला था कि जो ये जो आप बता रहे हैं रेजिग्नेशन वाला ये तो एग्जिस्टिंग था, मैंने बताया था कि ऑडिटर को नया कोई ऑडिटर ला रहे हैं तो उसको पैसा ज्यादा दे रहे हैं, पिछले साल ही आया, एक साल पहले आया है कि ऑडिटर हैज टू एक्सप्लेन थॉरोली कि उसने क्यों रिजाइन किया। ये प्रोविजन था ही, मतलब जो मैं ये कवर किया था, ये जो आप बता रहे हैं अगर कोई रिजाइन करता है तो रीजन ऑफ रेजिग्नेशन तो स्टॉक एक्सचेंज को 24 घंटे के अंदर जाता ही जाता है। बहुत क्लियरली वो बताएगा। और अच्छा ठीक है, अच्छा एक आपने विद इन 30 मिनट्स, एक वो बताया ना आपने 30 मिनट्स में मीटिंग खत्म होने के बाद हमें कुछ चीजें स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करनी है, करेक्ट, डिविडेंड अगर डिविडेंड रिवोक हुआ ये सब में बताना पड़ता है आधा घंटा के। अब मेरी क्वेरी ये है कि पहले ये वर्ड फोर्थ विद था या ये फोर्थ विद की डेफिनेशन उन्होंने 30 मिनट्स में चेंज किया, कैसे था? पहले मैंने कभी पढ़ा तो वो फोर्थ विद वर्ड होता था उसमें, फोर्थ विद दे हैव टू सबमिट विद द स्टॉक एक्सचेंज। क्या क्या पढ़ा था, फोर्थ विद मतलब? फोर्थ विद मतलब इमीडिएटली मीटिंग खत्म होने के आधा बाद उन्हें बताना, आधा घंटा के अंदर में। तो आप ये आधा घंटा के पहले आधा घंटा नहीं था, ये आधा घंटा बाद में आया क्या वर्ड ये? नहीं सर ये तो आधा घंटा था ही बस, बल्कि ये हुआ कि कवरेज बढ़ गया, फोर्थ विद हुआ करता था ये, कवरेज हो गया मतलब अभी हो गया कि कवर मतलब कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं जैसे वो बताना पड़ेगा। अच्छा एक जो आपने बताया ना कि जो वोटिंग वाला है वो वोटिंग का रिजल्ट्स है 48 आवर्स में बताना है, उसके साथ एक ये भी है कि दैट शुड बी सर्टिफाइड बाय ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। तो हम आपको बता देते हैं स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट जो बनाता है वो चार लोग बना सकता है, वो वोटिंग रिजल्ट जो पब्लिश होती है वो चार लोग बना सकता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट, कॉस्ट अकाउंटेंट। आप भी बनिए, आप भी बनिए, ये अच्छा कमाई है, ये आप भी बन सकते हैं। नहीं अच्छा 20-25 हजार रूपए 50 हजार तक मिल जाते हैं बड़ी कंपनी। हाँ हाँ 25 नहीं, पहले जो मैंने जो प्रैक्टिकल देखा है वो लोग पीसीएस ही अपॉइंट करते हैं सर। हाँ हाँ क्योंकि पीसीएस को पता रहता है कि वोटिंग और ये ना वोटिंग और एनएसडीएल सीडीएस में ज्यादा डेली खेलते हैं। अच्छा एक आपने वर्ड यूज किया था कि सेक्रेटेरियल ऑडिटर इज जो सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका मीनिंग नहीं समझा मैं। मतलब सेक्रेटेरियल ऑडिट में जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं हमारे इसके एग्जाम्स के लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं, वो एक, एक, एक जनवरी के बाद आए हैं क्या? नहीं नहीं ये हम जो भी पढ़ा रहे जो अमेंडमेंट दे रहे जनवरी के बाद पहले ही है। तो मेरी ना क्वेरी इनसे भी अपने सोनी साहब से भी, सोनी जी ने अभी भी बोला के जो है ना एग्जम्पशंस वाला क्लॉज है इसमें टेक ओवर में वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन वहां साइट पे जाके सिलेबस देखते हैं तो वहां तो कोई लिखा ही नहीं है, सिंपली रूल्स का नाम लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा कि कहां से कहां तक कवर है। अच्छा हमको भी ये कैसे पता कि आपको एग्जम्पशंस नहीं कवर है या ये एसएआर हमारे वाले में कवर नहीं है सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट? सर मेरे पास सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस जो मैंने साइट से निकाला है वो कुछ और है। मेरे पास भी साइट वाला ही है, इवन मखीजा साहब का भी है मेरे पास। मखीजा जी वो भी डालो ना जरा अपना। हाँ मैं डाल देता हूँ अभी, मेरे पास रेडी है अभी डाल देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना साइट पे जाके देखते हैं आईबीबीआई। सोनी जी हमें साइट से ही तो सिलेबस ले रहा है ना,
आप जो ये साइट बना जो है मखीजे साहब ने, मखीजे साहब ने अपने उसमें वो पूरा तैयार करके दिया है। आईडीबीआई की साइट पे कुछ नहीं लिखा उन्होंने, सिर्फ रूल का नाम लिखे ऐसा है, नाम लिखा है कोई उसमें नहीं लिखा सेक्शन पर। और ऐसा है जो साइट पर लिखा आईबीबीआई की साइट पर, हमें तो वहीं से चलना है ना, ये बात। फिर उसमें तो कवर है, उसमें तो सेक्शन में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कवर, बिल्कुल कवर। गलत कैलकुलेट कर रहे हो हम लोग, बाकी मखीजे साहब का है मेरे पास, मैं शेयर कर देता। अरे सर जी पता क्या होता है, वो कई बार उन्होंने ये बताया होगा कि ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन कवर तो पूरा ही है, सेबी रेगुलेशन से लिखा है, वहां पर नाम लिखा है और उसमें उसके आगे नहीं लिखा, सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा। ये इम्पोर्टेंट बताया होगा या उनका तो पुराना वाला होगा, जो ये पुराने वाले जो अमेंडमेंट से पहले का होगा। हाँ पूरा सभी कुछ है इसी। देखिए ऐसा सीधी सी बात है, एक बार चेक कर लेते हैं, हमें क्या है, हमें आईबीबीआई की साइड से चलना है सिलेबस बस। आईबीबीआई में कोई सेक्शन नहीं लिखे, सिर्फ रूल का नाम, हाँ कुछ नहीं लिखा, ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ सर। तो और लोग भी सवाल पूछे, खंडूजा जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछिए। तो ये पूछ रहा था ओपन ऑफर की कोई गाइडलाइन है, ओपन ऑफर का मीनिंग क्या है? ओपन ऑफर का सर मीनिंग, ओपन ऑफर का मीनिंग जो है टेक ओवर कोड में डिफाइंड है सर, कि अगर आप कभी शेयर्स आपके पास में है तो ओपन ऑफर का मतलब होता है पब्लिक अनाउंसमेंट, स्टॉक एक्सचेंज को बताना और उसका प्राइसिंग बताना पब्लिक को कि हम कितने प्राइस में लेने जा रहे हैं। तो एक तरीके का कम्पिटिटिवनेस तैयार करना को ओपन ऑफर बोलते हैं, और जो पब्लिकली को अनाउंसमेंट बताया जाता है कितना नंबर ऑफ शेयर, जैसे हम लोग इनविटेशन टू करते हैं हमारे फॉर्म जी में सीआईआरपी में। देखिए इसमें बड़ा अच्छा अभी ना वेदांता का एग्जांपल आया, जो कि उनका ओपन ऑफर फेल हो गया। हाँ ये बहुत वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, उन्होंने अपने सारे डीलिस्ट करने के लिए ओपन ऑफर दिया था मार्केट में। लेकिन सर वो डीलिस्टिंग का ओपन ऑफर था और हम लोग पढ़ रहे हैं टेकओवर का ओपन ऑफर, टेकओवर का ओपन ऑफर पढ़ेंगे। ओपन ऑफर का मेथड तो वही होगा ना, प्रोसीजर दोनों में सेम होगा शायद, डीलिस्टिंग का थोड़ा सा डिफरेंट है, टेकओवर में थोड़ा बहुत झमेला होता है तो मजा आता है। हम जो बताए थे ना ओबेरॉय वाला और आईटीसी वाला, ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, और या तो हमारी पुरानी कंपनी जहां मैं काम करता था पहले, इमामी और जंडू में बहुत बड़ा है, भयंकर लड़ाई हुआ है 2019 से, 500 का शेयर 1500 2400 2500 तक चला गया, शेयर होल्डर जम के कमाए उस समय, क्योंकि उनको पता था कि, और प्रमोटर एग्रेसिव था, लेना ही चाहता था चाहे जितना भी प्राइस हो, और पब्लिक भी सोचा ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जबरदस्त लाभ कमाया है। जंडू की शेयर बढ़ गई कहां से कहां, 5000 तक चली गई थी। ओपन ऑफर जैसे 26% का देना है उसमें फर्क नहीं पड़ता, अगर 26 से नीचे आया सपोज 10% ही लोगों ने ऑफर किया तो वो सक्सेसफुल, मतलब 10% तो फिर टेकओवर ले सकता है ना वो ओपन ऑफर। देखिए इसीलिए यही डिफरेंस है, डीलिस्टिंग में क्या हुआ था उनका फेल हो गया, वेदांता ने क्या किया, बोला हम लिस्टेड उस्टेड कंपनी नहीं रहेंगे, हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं उस समय प्राइस चल रही थी 150 रुपया, उन्होंने बोला कि हम 280 रुपया देंगे, तो सारे शेयर होल्डर लोग सब्सक्राइब किए, लेकिन उनका सबसे बड़ा शेयर होल्डर था LIC, उन्होंने ना क्या किया ना इस ऑफर को रिजेक्ट किया, बोला हम इस प्राइस में नहीं लेंगे, या तो तुम बढ़ाओ प्राइस। और प्राइस आता कैसे है 280 या 400, ये आता है 26 सप्ताह हायर और लोअर का एवरेज, लास्ट 2 वीक्स का एवरेज और जो प्राइस डिटरमाइन हो, ये तीन तरीका एक फॉर्मूला है डीलिस्टिंग के लिए। लेकिन डीलिस्टिंग के लिए तो ये तरीका है, और इसमें कैसे लेते हैं वीक पे, जो मतलब शुक्रवार को जो हाई लो था उस दिन का जो हाई लो था बस क्लोजिंग टाइम पे वो लेते हैं। करेक्ट करेक्ट, यही होता है ना वीकली क्लोजिंग का, मतलब वीकली को जो जो 3:30 बजे जो रेट था वो तो उसका जो हाई मिल गया, लेकिन मतलब हाई और लो का हाई मतलब और लो आपको NSE के वेबसाइट में किसी भी कंपनी का हाई लो, वीकली हाई लो, 26 वीक हाई लो, इस सब वहाँ पब्लिश होता है। वीकली भी अलग से मिलेगा वो? हाँ हाँ हाँ, आपके इसमें मिलता है ना, वीकली नहीं मंथली वाला लोग एनुअल रिपोर्ट में छापता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में भी आता है वीकली हाई लो। वो तो डीलिस्टिंग का हो गया ना कि वो 75% एक्वायर नहीं कर पाया, मैं टेक ओवर वाले ओपन ऑफर की बात कर रहा हूँ। टेक ओवर में मेथड ऑफ कैलकुलेशन अलग है, और लेकिन उसमें क्या होता है, इसमें ये नहीं होता है कि अगर इतना अचीव नहीं कर सके तो आपको बैकआउट होगा, आप ओपन ऑफर लाए तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा जो प्राइस के आप बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो एक्वायर कर ही जा रहा है क्योंकि इसका इंटरेस्ट है एक्वायर करने। अगर सपोज 26% से ज्यादा लोग ऑफर कर देते हैं तो वो ज्यादा भी ले सकता है, 25% उसके पास हो गया वो 26% ऑफर लेगा, दो बार ऑफर लाएगा, वो पहला बोला हम 15% एक्वायर करेंगे,
तो अगर उसका फुलफिल हो गया तो ठीक है, फिर दोबारा लाएगा। नहीं, 26% तो मिनिमम लाना जरूरी है ना, 25% एक बार आपके पास हो गया। हाँ, उसके बाद आप 26% का तो आपको ओपन ऑफर लाना ही पड़ेगा ना। करेक्ट, तो आप उसमें बोलते हैं कि अगर सब्सक्राइब हुआ, नहीं हुआ या कम हुआ या बेसिक दोस्त है, या तो 26% से कम लोगों ने ऑफर किया तो वो तो सारे वो ले ही लेगा। अगर 26% से ज्यादा लोगों ने ऑफर कर दिया, सपोज 30% ने ऑफर कर दिया अपने शेयर, तो क्या वो 30% भी ले सकता है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 26% तक ही ले सकता है। मिश्रा जी, इसमें एक चीज थी कि जिस जब वो 25% को ब्रीच करेगा ओपन ऑफर के लिए, तो कितना क्वांटम उसे लेना है? मान लो मैं तो सिर्फ 10% ही लेना चाहता हूं, तो कैसे होगा? उसमें कितना परसेंटेज, कितना क्वांटम मुझे ओपन ऑफर में ऑफर करना है कोई उसकी लिमिट है? और एक आपके उसके अंदर लिखा था 20%, कुछ वो समझ नहीं आया, वो 20% क्या है? एक ओपन ऑफर का ना, ये हमारा सबसे लाइव एग्जांपल जो टेकओवर का हुआ था, ये ओबेरॉय का, इसका एक स्लैब रेट भी है मेरे पास, मैं हम ग्रुप में डाल देंगे, ये हम लोग भी डिस्कस भी देख भी लेंगे अगर होना चाहे तो। मतलब कितने परसेंट तक मैं जा सकता हूँ? मैं मतलब अप टू अंदर 50% तक जा सकता हूँ, जैसे ही मैं 25 ब्रीच करता हूँ। जो आप पब्लिक अनाउंसमेंट में कर रहे हैं, मान लीजिए हम 25% है और हम जा रहे हैं एक्वायर करने, मान लीजिए अनदर 26%, ठीक है? तो अब दो क्राइटेरिया है, या तो पब्लिक उतना ऑफलोड करेगा या नहीं करेगा। ऑफलोड किया ज्यादा तो आपको मिलेगा सिर्फ 26 का 26, बाकी लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। और 26 से कम किया तो? कम किया तो आपको उतना ही मिलेगा, 24-20 मार्केट में है। नहीं है कि मेरे को, मैं एक भी नहीं ले सकता, मेरा पूरा नहीं हुआ तो मैं एक भी ना नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, उतना तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा, तो लेकिन मेरा वो लिमिट नहीं पता लगेगा, तो पूरा एकदम क्रैश कर जाएगा और पूरा सेवी मतलब उसको छोड़ेगा नहीं अगर ऐसा करेगा तो। 26 रूल कुछ कहता होगा ना, रूल भी तो कुछ कहते हैं कि नहीं कहते इस बारे में? हाँ, टेकओवर रूल्स ही बोलता है कि भाई इतना अगर आपने ओपन ऑफर लाया, जितना भी आया, मान लो 5% लोगों ने ऑफर किया तो 5% ले लिया। और अगर 26 से ज्यादा लोगों ने ऑफर किया, सपोज 30 ने ऑफर किया, तो नहीं, तो नहीं नहीं उतना नहीं ले सकता। तो वही पूछ रहा हूँ कि 26 डिसाइड कैसे होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस? वो ये हमारा बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, जो जितना ज्यादा डालेगा। क्या थोड़ा सा मिश्रा जी बुक बिल्डिंग प्रोसेस के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? और एक मार्केट मेकिंग क्या होता है, ये दो कॉन्सेप्ट थोड़े से समझ। मार्केट मेकिंग एक बेईमानी चीज होता है। लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो रहा ना गुप्ता जी? रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं।